किसी के भी कोई डाउट? अनिकेत जी, आप आधी क्लास करके भाग जाते हो हर रोज। ऋषभ जी का एक डाउट आया था ग्रुप में, जिसमें उन्होंने कहा था कि सर, परचेज कंसिडरेशन में, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में, यानी कॉमन कंट्रोल में, अपन नेट एसेट्स के लिए इक्विटी प्लस अदर इक्विटी ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर अनिकेत जी ने एक डाउट भेजा था कि सर, इस बार टेस्ट सीरीज होगी क्या? तो इस बार नहीं होगी टेस्ट सीरीज, ये अटेम्प्ट के लिए अपन टेस्ट पेपर नहीं बना पाएंगे। पुराने वाले टेस्ट पेपर्स यूट्यूब पे है, आप उनको रेफर कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। और किसी के और कोई डाउट? चलो तो पूछो पूछो, जो भी डाउट है पूछ लो, क्लास शुरू कर देंगे। अच्छा, वो मिल नहीं रहे हैं बोले, डाउट तो हैं सर बोले, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, तब तक के अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का रिवीजन कर लेते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 हमने देखा कि चार टुकड़ों में बटा हुआ होता है, एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, एक रिटायरमेंट बेनिफिट, एक पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, फिर अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट और आखिरी टर्मिनेशन बेनिफिट। शॉर्ट टर्म में हमने दो देखे, लीव्स बोनस। लीव्स में हमने पढ़ा दो प्रकार के होते हैं, अक्यूमुलेटेड नॉन अक्यूमुलेटेड। नॉन अक्यूमुलेटेड की कोई अकाउंटिंग नहीं है, अक्यूमुलेटेड में वेस्टिंग अनवेस्टिंग। वेस्टिंग मतलब छुट्टी के बदले कैश, तो जिस साल आपने छुट्टियाँ अक्यूमुलेट की उसी साल उसका प्रोविजन बनाना है। अनवेस्टिंग यानी छुट्टी के बदले छुट्टी, जिस साल आपने छुट्टियां अक्यूमुलेट की उसी साल उसका प्रोविजन बनाना है, बट ऑन प्रोबेबिलिटी बेसिस कि फ्यूचर में वो छुट्टियां अवेल होगी। अगर नहीं एक्सपेक्टेड है कि वो फ्यूचर में अवेल होगी तो उसका प्रोविजन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे। फिर हमने देखा बोनस। बोनस भी जितना एंटिसिपेटेड होता है कि पे करना, उतने का ही प्रोविजन बनता है, अदरवाइज प्रोविजन नहीं बनता है। इसके बाद में हम लोग गए अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। मैंने बोला इन दोनों की अकाउंटिंग सेम तरीके से। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने फंड को ट्रांसफर कर दिया तो डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, जितना आपने फंड को दे दिया वही आपका एक्सपेंस। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके ऊपर है तो फिर डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में आप सबसे पहले निकालेंगे कि एम्प्लॉय रिटायर होगा तब लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी होगी, उसके हिसाब से मेरे को कितना पेमेंट देना है। कितना पेमेंट देना है वो ओवर द पीरियड देना है, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों में हम ये पेमेंट करने वाले हैं। तो हम ये पेमेंट जितने सालों में करने वाले हैं उतने सालों से डिवाइड किया, हर साल का एक्सपेंस मिला। हर साल का जो एक्सपेंस मिला उसे रिमेनिंग पीरियड से उसका पीवी निकाला, रिमेनिंग पीरियड से उसका पीवी निकाला। वो जो प्रेजेंट वैल्यू है उतना एक्सपेंस बुक किया इन द नेम ऑफ करंट सर्विस कॉस्ट डेबिट, जो पीएल में गया टू डिफाइंड बेनिफिट अप्लीकेशन। यही हम करते गए जब तक कि हम लोगों का पीरियड एक्सपायर नहीं होता। उसके ऊपर हर साल हम इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बुक करते जाते हैं। दिस इज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट। जो पैसे हम फंड को देते हैं उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं, यानी डिफाइंड प्लान एसेट अकाउंट। मैंने कहा था आपको चीज़ें डिफाइंड दी रहेगी, एक कॉन्ट्रीब्यूशन मेड ये सिर्फ डीपीए में आएगा, एक बेनिफिट्स पेड ये दोनों में आएगा माइनस होगा, एक करंट सर्विस कॉस्ट जो डीबीओ में ऐड होगा, पास सर्विस कॉस्ट जो डीबीओ में ऐड होगा, कर्टेलमेंट जो डीबीओ में माइनस होगा और डिफाइंड प्लान एसेट में माइनस होगा, दोनों का डिफरेंस पीएल में इन द फॉर्म ऑफ गेन जाएगा। एक इंटरेस्ट जो दोनों में आएगा पीएल में जाने वाला है नेट डिफरेंस। एक बैलेंसिंग फिगर इज एक्चुअल गेन एक्चुअल लॉस, जो लास्ट फिगर आ रहा है वो उसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आप लोगों को। रफली हम लोगों ने इतना पूरा का पूरा पढ़ा था। एक क्वेश्चन मेरे को आप लोगों को दिखाना था जो छूट गया, ईयर्स कैलकुलेशन वाला। बोला यार कंप्लीट कर लें तो बेटर रहेगा। आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, ये किया था अपन ने, इसके ऊपर अंडरलाइनिंग कैसे किया है? हाँ, पेज नंबर 9.38 नहीं किया है अपन ने, ये पिछले बार की बुक ओपन हो गई मेरे से। एजे लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ केमिकल्स हैविंग नेटवर्थ 150 करोड़। फिर सेकेंड पैरा पे आ रहा हूँ, द कंपनी डिड नॉट हैव एनी एचआर पॉलिसी, वो भी कुछ काम का नहीं है। थर्ड पैरा पे आ रहा हूँ, वन ऑफ द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व अ लमसम बेनिफिट ऑन टर्मिनेशन इक्वल टू 1% ऑफ फाइनल ड्रॉन सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। 1% फॉर ईच ईयर, द सैलरी इन ईयर वन इज 10,000। द सैलरी इन ईयर वन इज 10,000, इट इज अज्यूम टू इंक्रीज बाय 7% ईच ईयर, डिस्काउंटेड 10%। बेनिफिट एट्रीब्यूटेड एंड ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट,
फॉर द एम्प्लॉई हु इज एक्सपेक्टेड टू लीव एट द एंड ऑफ ईयर 5 फॉलोइंग अजम्पशंस आर टू बी गिवन। तो अब जब फाइनल ड्रॉन सैलरी निकालना है, ईयर वन सैलरी दी हुई है, तो कितने सालों से आप इसको कंपाउंड करोगे, कितने सालों से कंपाउंड करोगे? सभी लोग उठ जाओ। ऋषभ जी की तरफ से 5, अजीम जी की तरफ से 4, राम जी की तरफ से 4। बस ये मेरे को हाईलाइट कराना था, 4 इस बार ईयर वन सैलरी है। कल मैंने आपको ये बोला था बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया है तो आप पूरे 5 साल लेते, ईयर वन दिया हुआ है तो आपको 4 साल लेना है। यहाँ अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूट ने बराबर 4 साल से ही किया होगा। कहाँ है इसकी सैलरी? 4 साल से कंपाउंडिंग की हुई है, वर्किंग नोट 1। तो ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए, ठीक है? बस ये मेन था। तो अब हम आ जाते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, गवर्नमेंट ग्रांट, बहुत ही आसान स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट आपको कई प्रकार के ग्रांट दे सकती है। गवर्नमेंट आपको दे सकती है ग्रांट फॉर अ नॉन करेंट एसेट, जैसे कि पीपीई वगैरह खरीदना है या ज़मीन वगैरह खरीदना है, फॉर अ करेंट एसेट लाइक इन्वेंट्री, यानी रेगुलर रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड। आपको ग्रांट मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड एडवांस। गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है, एक्चुअली लोन इन एडवांस नहीं लिखना चाहिए, लोन ही लिखना चाहिए सर, ठीक है? आपको ग्रांट मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्लायंसेस, मतलब कंप्लायंसेस हम आपके लिए ईज कर देंगे, और ग्रांट मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ, चलो ठीक है अभी के लिए तो इतना सफिशिएंट है। ड्यूटी ड्रॉबैक भी एक तरह का ग्रांट है, ठीक है, वो भी लिख देते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। चलो, अगर नॉन करंट एसेट का ग्रांट आपको मिल रहा है तो नॉन करंट एसेट का ग्रांट आपको दो तरीके से मिल सकता है, इन द फॉर्म ऑफ रीइंबर्समेंट एंड इन द फॉर्म ऑफ चीप एसेट। ठीक है, सपोज कीजिए आपको रीइंबर्समेंट के मेथड से मिल रहा है, तो रीइंबर्समेंट को अकाउंट करने के दो तरीके हैं, एडिटिव मेथड और दूसरा तरीका है डिडक्टिव मेथड। हमको ये दो मेथड्स पढ़ने हैं। अगर आपको सस्ते में एसेट प्रोवाइड किया जा रहा है, चीप एसेट, सस्ते में एसेट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपके पास अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं, फेयर वैल्यू मेथड और एक्चुअल कॉस्ट मेथड, ठीक है? आपको सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट से, ठीक है? तो इसके अंदर तो सिंपल कहानी है, जो भी डिफरेंस है वो इमीडिएटली पीएल के अंदर में चला जाता है। आपको लोन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम पीवी ऑफ लोन और ये जो लोन का अमाउंट है, इन दोनों के डिफरेंस को डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मानते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं लोन का और लोन अमाउंट से डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डिफरेंस को मानते हैं। ये हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में पढ़े थे, पर डेफर कैसे करते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है? कंप्लायंसेस कवर्ड नहीं है इस स्टैंडर्ड में, आपको सिर्फ डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से ईज ऑफ कंप्लायंसेस मिला है। ड्यूटी ड्रॉबैक जहाँ तक मैं जानता हूँ इस स्टैंडर्ड के अंदर में कवर्ड नहीं है, बट ड्यूटी ड्रॉबैक इज एज गुड एज दिस, ठीक है? डिफरेंस गोज टू पीएल। तो डिपेंड करता है ड्यूटी ड्रॉबैक है किसका, मशीन खरीदा उसका ड्यूटी ड्रॉबैक है या फिर जो रेगुलर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उससे रिलेटेड ड्यूटी ड्रॉबैक है। मशीन का ड्यूटी ड्रॉबैक तो यहाँ पे कवर हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर बाकी के जो ड्यूटी ड्रॉबैक होते हैं जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, इंडिया 20 एस सच कुछ बोलता नहीं है उसके बारे में, ठीक है? हाँ, क्या हो गया, वो रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, डिफरेंस को पीएल में डाल देना चाहिए, अपने को तो यही समझ में आता है, ठीक है? यहाँ तक समझ गया पूरा। इंस्टीट्यूट की तरफ से ड्यूटी ड्रॉबैक पे, मशीन ऑफ के ड्यूटी ड्रॉबैक पे अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हम लोगों को समझना पड़ेगा, देखेंगे। तो शुरू करें, यहाँ तक हो गया। आज नोट्स वाली मैडम उठी नहीं है मेरे को लगता, तो बाकी के लोग अपना खुद का तैयारी करेंगे। लोन में माइनस के बाद क्या लिखा है, डी जी जी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट,
अच्छा उठ गई है क्या लोन वाली मैडम? चलो ठीक है। तो सबसे पहला वाला है एडिटिव मेथड। सर एलए क्या है? लोन अमाउंट। तो एडिटिव मेथड क्या होता है आप लोगों को पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एसेट खरीदा 10 लाख का और गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया लेट से 8 लाख का। तो आप क्या करोगे, आप एसेट दिखाओगे 10 लाख का और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिखाओगे 8 लाख का। मोस्टली आप उसको डेप्रिसिएशन के रेशियो में एलोकेट करोगे। तो लाइफ अगर सपोज करो 5 साल है तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? दो। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को भी उसी रेशियो में बांट देंगे तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 साल 1.6। जम रहा है? कोई दिक्कत? कल किशन जी भी जल्दी भाग गए थे। 8, 6.4। सपोज करो आपको इस पॉइंट पे रिफंड करना पड़ा गवर्नमेंट ग्रांट, और लेट से 7 लाख रुपए का रिफंड करना पड़ा। पूरा नहीं, एक काम करते पूरा ही रिफंड करवाते हैं ना। 7 लाख क्या होता है, पूरा का पूरा ही रिफंड करा दो 8 लाख रुपए पूरा। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आपको पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ा। तो ये रिफंड का पहला एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा और दूसरा एडजस्टमेंट वहीं होगा जहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट पहले का गया। पहला एडजस्टमेंट वहीं होगा जहाँ पे जो आपके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट ग्रांट पड़ा है, और दूसरा एडजस्टमेंट वहाँ होगा जहाँ आपका ये गवर्नमेंट ग्रांट गया। कहाँ गया था ये गवर्नमेंट ग्रांट, बाकी का डिफरेंस। ठीक है। राघव जी बोले सर एडिटिव का कोई दूसरा नाम भी है क्या? ऐसा एडिटिव भी कोई नाम नहीं है, हम बस बोल दिए एडिटिव मेथड। ठीक है, ये भी कोई नाम नहीं है, ये आप लोगों के इंटर के ज़मानों में नाम हुआ करते थे एडिटिव डिडक्टिव, हमने वही नाम कंटिन्यू किए हैं। स्टैंडर्ड में ऐसा कोई नाम नहीं दिया हुआ है। चलो तो अरुणा जी बोल रहे हैं पीपी नहीं, अरुणा जी पीएल। ठीक है पीएल हमने कहाँ डाला था ये देखो ना, कहाँ डाला था डिफरेंस को, पहले पीएल में डाला था तो पीएल के अंदर में ही जाएगा। तो ये बोलता है कि 8 को यहीं डिडक्ट करो, तो डिफरेंस आ रहा है यहीं डिडक्ट करो 1.6 का, तो ट्रांसफर टू पीएल। ठीक जम गया। गवर्नमेंट ग्रांट वॉज अ क्रेडिट बैलेंस, तो जब आप पीएल में डाल रहे थे तो डीजीजी डेबिट टू पीएल हो रहा था। पहले गवर्नमेंट ग्रांट वॉज अ क्रेडिट बैलेंस, ध्यान में, तो पहले क्या हो रहा था, डीजीजी डेबिट टू पीएल बराबर। जब रिफंड करना पड़ा तो पीएल डेबिट हुआ होगा, डीजीजी डेबिट 6.4, पीएल डेबिट 1.6 टू कैश 8। जम गया, ध्यान में रखिए जर्नल एंट्रीज कैसे होती है। डेप्रिसिएशन कंटिन्यूज द सेम टू, तो डेप्रिसिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ जो भी हो रहा था उससे डेप्रिसिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस इज एडिटिव मेथड। ओके जम गया ना। बी डिडक्टिव मेथड, सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। तो पीपी आपने खरीदा था 10 लाख का, गवर्नमेंट ग्रांट उसमें से डिडक्ट कर दो, नाम ही यही बोल रहा है डिडक्टिव मेथड। तो 2 लाख, लाइफ वही 5 साल, तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ 0.4, तो एसेट दिख रहा है 1.6 का। नेक्स्ट ईयर आपको रिफंड करना पड़ा, तो रिफंड करना पड़ा तो वही डालो जहां पहले डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट गया। तो कहाँ गया था, पीपीई में गया था, तो पीपीई में ही डालो 8, तो 9.6। तो अब नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा, टू पॉइंट फोर 7.2। आई होप इट इज क्लियर। चल तो ये हो गया एडिटिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, बेबी क्वेश्चंस। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं फेयर वैल्यू मेथड और एक्चुअल कॉस्ट मेथड, यानी चीप एसेट, एसेट सस्ते में मिला तो कैसा करने का। तो एसेट है फेयर वैल्यू 10 लाख का,
एक्चुअल कॉस्ट आपको मिला 2 लाख रुपए में, सरकार ने आपको 2 लाख रुपए में दे दिया। तो आपके पास दो ऑप्शन है अकाउंटिंग करने के। पहला ऑप्शन फेयर वैल्यू पे ही अकाउंट करो, पीपी डेबिट 10 लाख, पर मेरे जेब से कैश गई 2 लाख, तो डिफरेंस है आपका डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख। ऑप्शन टू, पीपी को 2 लाख पे ही अकाउंट कर लो, ठीक है, जम गया। बहुत ही सिंपल, बाकी कैरिंग अमाउंट वगैरह डिफरेंस में जाता है, लोन की अकाउंटिंग हम पहले कर चुके हैं। सवाल ये आ सकता है कि ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर कौन से बेसिस पे करना है, जब तक पीपीई है तब तक डेप्रिसिएशन कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा। जैसे ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया कि तुम ट्रेन करो एम्प्लॉइज़ को, तो ट्रेन करेंगे तो जिस दिन ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई पूरा पीएल में डाल दो। तो कुछ भी हो, गवर्नमेंट ग्रांट हमेशा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ही होगा, कभी ना कभी पीएल में होगा। अगर कंडीशंस अटैच्ड है तो कंडीशन के पीरियड में, कंडीशन नहीं है कोई, अनकंडीशनल है इमीडिएट पीएल में, अनकंडीशनल है इमीडिएट पीएल में। सर ये जो ऊपर आपने कराया इसमें भी ऐसा ही होता था क्या? ये यहाँ जो एडिटिव मेथड कराया इसमें भी क्या ऐसा हो सकता था इमीडिएट पीएल में? हाँ हो सकता था, पर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। कंसेप्ट डेफर कैसे करना है अलग कॉन्सेप्ट है, और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बनाना है अकाउंटिंग के लिए वो अलग कॉन्सेप्ट है, दो अलग अलग चीज़ है। पहले तो गवर्नमेंट ग्रांट क्रिएट होगा, तो ये हम क्रिएट करना सीख रहे हैं, फिर उसके बाद में था भाई उसका करना क्या है। तो अगर कोई कंडीशन अटैच्ड है तो फिर उस कंडीशन के पीरियड में, जैसे डेप्रिसिएशन के पीरियड में हम लोग डाल रहे थे, पर अगर अनकंडीशनल है तो इमीजिएट पीएल, अनकंडीशनल है तो इमीजिएट पीएल, ठीक है। अब ऋषभ जी का कहना है सर इसकी अकाउंटिंग कब करना है, जब एक्चुअल पैसे मिलेंगे, जब अश्योर हो गया कि हाँ गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगा, व्हेन यू वर्चुअली सर्टेन दैट द अमाउंट विल बी रिसीव्ड, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल दो तरह की चीज है, अनकंडीशनल कंडीशनल। अगर अनकंडीशनल है तो इमीडिएट पीएल में डाल दो, कंडीशनल है तो ओवर द पीरियड ऑफ कंडीशन। तो सर ये ओवर द पीरियड ऑफ कंडीशन कैसे, ये कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा एसेट के लिए डिप्रिसिएशन के रेशियो में, तो कुछ ना कुछ दिया रहेगा, ठीक है। सर डिस्क्लोज गवर्नमेंट ग्रांट इन नोट्स का क्या मतलब? अगर हमें कोई ईज ऑफ कंप्लायंसेस मिला है तो हम लोग नोट्स के अंदर में दिखाएंगे कि भाई हमको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरह का बेनिफिट मिला है, बस वो। पर ईज ऑफ कंप्लायंस का भी एक मतलब होता है, जैसे अब आप लोग ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, आप इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आपके घर में इंटरनेट है। इंटरनेट तो आपने किसी प्राइवेट कंपनी का लिया, पर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है जो आपने सरकारी कंपनी से लिया। सरकार आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, और सरकार आपको इलेक्ट्रिसिटी सस्ते दामों में प्रोवाइड कर रही है, तो आपको सब्सिडी मिल रही है, घर से आप देख रहे हैं इसीलिए। वहीं आप कमर्शियल ऑफिस से देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट रेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो आपको सब्सिडी मिली। आप अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करोगे इसको कि सरकार ने मेरे को सब्सिडी दी है इसीलिए मैं सस्ता इंटरनेट यूज़ करके क्लासेस देख पा रहा हूँ, या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके क्लासेस देख पा रहा हूँ? नहीं। वैसे किसी किसान को इरिगेशन फैसिलिटी मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी ज़मीन के पास में इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो उसको यूटिलाइज कर रहा हो क्या? डिस्क्लोज करेगा कि मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल गई। ये होता है जनरल ग्रांट्स जो गवर्नमेंट सबको दे रही है, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं है। अगर आपके लिए कुछ स्पेशल हो रहा है, यानी कुछ ऐसा जिसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, तो आप अप्लाई कर रहे हैं और फिर आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो ऐसी चीज़ों का डिस्क्लोजर किया जाता है, बाकी किसी तरह की गवर्नमेंट ग्रांट का डिस्क्लोजर नहीं किया जाता, ठीक, जम रहा है। चलो सो मोस्टली वी आर डन, क्वेश्चंस उठाते हैं। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। हम पहुंच रहे हैं पेज नंबर 5.6, पेज नंबर 5.6। गवर्नमेंट गिव्स अ ग्रांट ऑफ 10 लाख रुपीज फॉर पास्ट रिसर्च, पास्ट में आपने कोई रिसर्च किया था H1N1 वैक्सीन का, उसके लिए गवर्नमेंट अब आपको ग्रांट दे रही है, तो क्या करना है इसका? सर पीएल में डाल दो, खत्म करो, क्योंकि ऑलरेडी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। गवर्नमेंट गिव्स अ ग्रांट ऑफ 10 लाख रुपीज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ H1N1 वैक्सीन, इवन दो सिमिलर वैक्सीन आर अवेलेबल इन मार्केट, द एंटिटी हैज टू एंश्योर डेवलपिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स
लेट द कॉस्ट कम डाउन टू 40%। तो क्या करने का है, 2 साल में अमोर्टाइज करने का है, सिंपल कहानी। फिर अगला क्वेश्चन है, विलेज ऑफ आर्टिजन्स इन अ डिस्ट्रिक्ट गॉट डिवास्टेटेड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। ए लिमिटेड वॉज ऑपरेटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट एंड वॉज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द आर्टिजन्स। द गवर्नमेंट गेव अ ग्रांट ऑफ 10 लाख रुपीज ए लिमिटेड सो डैट 100 आर्टिजन्स आर रिहेबिलिटेटेड ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अभी क्या करने का है, तो पूरा क्वेश्चन नहीं भी पढ़े तो भी आप लोग समझ जाएंगे, हाँ यार मेरे को बीच में कहीं तो 3 साल दिख रहा है, 3 साल में डेफर कर देंगे, खत्म कहानी, है ना, इतना आसान। इलस्ट्रेशन 4, 50 लाख रुपए 5% पेएबल इन 5 ईयर्स, मार्केट रेट है 12%। निकालो फटाफट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ईमानदारी से। इतना तो नहीं है यार, आप लोगों ने से प्रिंसिपल का पीवी निकाला है लगता, इंटरेस्ट कहाँ गया जो 5% ले रहे हैं गवर्नमेंट। अरे बाकी लोग भी आंसर करो ना बाबा, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था, बैठे हैं कि हाँ चलो दूसरे आंसर करेंगे। 3738328 ये हो गया गवर्नमेंट का ग्रांट। राघव जी आपके कैलकुलेशन में कुछ तो मिस्टेक पक्का है, अभी तक नींद में चल रहे हो क्या? अरे 1935 नहीं आ रहा ना ग्रांट, ग्रांट 12 लाख रुपए का है ना, बाकी सब लोगों का 37 लाख आ रहा है, माइनस करूंगा 50 लाख से तो 12 लाख का ग्रांट आएगा, तो आपका 19 लाख गलत है ना। पहली बार में कोई भी कैलकुलेशन सही नहीं करते हो, फिर बाद में मेरे को मैसेज करते हो कि सर पूरी क्लास के बीच में डांट दिया आप मेरे को, ऐसा कैसा चलेगा। हो गया ये सब लोगों का, बढ़ू मैं आगे? चलो कुछ माक्षी जी बोल रहे हैं, हाँ सर आगे बढ़ो, कैलकुलेट तो किया नहीं, बैठे हैं आराम से। पेज नंबर 5.11, ए लिमिटेड वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन बैकवर्ड एरिया एंड रिक्वायर्स 5 acres ऑफ लैंड। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द लैंड ऑन लीज होल्ड एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10,000, फेयर वैल्यू है 1 लाख पर एकर, 10,000 रुपये पर एकर पे गवर्नमेंट आपको दे रही है, 1 लाख रुपये पर एकर की फेयर वैल्यू है, कितने पे अकाउंटिंग करोगे बोलो। ₹10,000 में, अरे 5 एकड़ जमीन मिली है ना बाबा, ऐसा कैसा चलेगा। 50,000 रुपये पे अकाउंटिंग करेंगे या फिर 5 लाख पे भी कर सकते हैं, है ना, दोनों ऑप्शन है अपने पास। चलो बढ़िया, इलस्ट्रेशन 7, ई लिमिटेड एस्टैब्लिश सोलर पैनल्स टू सप्लाई सोलर इलेक्ट्रिसिटी टू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। द कॉस्ट ऑफ पैनल इज 1 करोर, लाइफ 10 ईयर्स, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड स्ट्रेट लाइन मेथड, गवर्नमेंट गेव 50 लाख रुपीज। क्या करना है, तो ये हो गया वो एडिटिव और डिडक्टिव मेथड, दो मेथड पॉसिबल है ना, तो एग्जाम में दोनों में से कोई एक करके आना, दोनों के दोनों मत करके आ जाना। कंटिन्यूइंग फैक्ट्स ऑफ इलस्ट्रेशन 7 जो ऊपर था, स्टेट हाउ शुड द गवर्नमेंट ग्रांट बी डिस्क्लोज, गवर्नमेंट ग्रांट को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां दिखाना चाहिए। आपने एसेट खरीदा 1 करोड़ रुपए का और सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए मिल गए, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, भाई इन्वेस्टमेंट तो मैंने किया, 1 करोड़ रुपए का एसेट खरीदा, गवर्नमेंट ने अगर मेरे को 50 लाख रुपए दिए तो क्या हुआ, क्या होगा, क्या हुआ, क्या होगा। गवर्नमेंट अगर मेरे को पैसा दे रही है 50 लाख रुपए,
तो गवर्नमेंट तो फाइनेंस कर रही है ना, गवर्नमेंट मेरे में थोड़ी इन्वेस्ट कर रही है, आप समझो ना, गवर्नमेंट मुझ में थोड़ी इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कहाँ से पैसा आया, फाइनेंशियल एक्टिविटी होना चाहिए भाई। गवर्नमेंट तो फाइनेंस ही कर रही है ना अपने को, भले फ्री में मिल रहा हो अपने को फाइनेंस, पर फाइनेंस ही कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी वही वहाँ पर लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 8 में, मोस्टली गवर्नमेंट ग्रांट फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा। हाउएवर इससे पहले वाला क्वेश्चन जिसमें 50,000 रुपये में सरकार ने आपको ज़मीन दे दी, ठीक है, और आपने फेयर वैल्यू 5 लाख पे दिखा दिया एसेट को, तो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ग्रांट दिखेगा? सरकार ने आपको 50,000 में ज़मीन दे दी, फेयर वैल्यू 5 लाख रुपये है, तो आपने 5 लाख पे अकाउंटिंग की है, तो गवर्नमेंट ग्रांट दिखेगा? नहीं, उस केस में गवर्नमेंट ग्रांट नहीं दिखेगा। शाबाश, ध्यान में रखेंगे, कैश फ्लो में नहीं आएगा। चलो बढ़िया, शब एक नंबर सीख गए आप लोग। तो वी आर ऑन पेज नंबर 5.14। ए लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ ₹10 लाख टू डिफ्रे एक्सपेंसेस फॉर एनवायरमेंटल प्रोजेक्शन, एक्सपेक्टेड एनवायरमेंटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड 3 लाख पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो क्या करेंगे, डिफर करेंगे 5 साल में, खत्म कहानी। पेज नंबर 5.16 रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए लिमिटेड रिसीव्ड ग्रांट ऑफ ₹10 करोड़ है ना, फॉर द ईयर 2001-2002 फ्रॉम अ लोकल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी फॉर सेलिंग गुड्स एट अ लोअर प्राइस टू इनकम ग्रुप पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया फॉर 2 ईयर्स। ए अकाउंटेड फॉर द ग्रांट एज इनकम इन द ईयर 1-2, पूरा का पूरा इनकम दिखा दिया उन्होंने। वेल अकाउंटिंग फॉर ग्रांट इन द ईयर 1-2, ए लिमिटेड वॉज रीजनेबली अश्योर्ड डेट ऑल कंडीशन विल बी मेट, तो पूरा इनकम में डाल दिया उसने, ठीक है, ध्यान रखो पूरा इनकम में। हाउएवर इन द ईयर 5-6 इट वॉज फाउंड दैट इट हैज नॉट कम्प्लाइड विद द अबव कंडीशंस एंड देयर फोर अ नोटिस फॉर रिफंड ऑफ ग्रांट इज इशूड। ए कंटेस्टेड बट लॉस्ट इन द कोर्ट, तो अभी क्या करने का है, पीएल में क्रेडिट कर देंगे, गवर्नमेंट ग्रांट लौटाना पड़ा। शाबाश, चलो बस एक पॉइंट और पढ़ना बचा है जो इंडिया 41 से रिलेटेड है। तो नहीं अरुणा जी, एरर नहीं है, एरर कहाँ से हुआ, एस्टिमेट चेंज हो गया बस, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट लौटाना पड़ा, पहले लग रहा था कि कंडीशंस कंप्लाई हो जाएगी, अपने को तो ये लग रहा था कि कंडीशन कंप्लाई हुई है। अब पीएल डेबिट होगा ना, हाँ ऋषभ जी पीएल डेबिट होगा, पीएल ही डेबिट हुआ है, आप देखिए क्वेश्चन में। चलो तो ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, मैं नहीं पढ़ा रहा, ए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। एमएनसी लिमिटेड थर्ड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग, सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट मार्क होगा, एक और मार्क होगा वो शायद इंडेस 41 में है कि इसमें है लिखा हुआ, वो अभी मेरे को नहीं पता, अपन चेक कर लेंगे। एमएनसी लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट इन द नेचर ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स विद सर्टेन कंडीशन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट अंडर ईपीसीजी स्कीम। ईपीसीजी स्कीम आप लोगों को पता होगी, ध्यान में होगा, आईडीटी के अंदर में दिया गया था कि भाई अगर मैं ना कोई मशीन फॉरेन से मंगा रहा हूँ तो मेरे को उसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड उस मशीन से जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ 90% विल बी एक्सपोर्टेड। ध्यान में आ रहा है, 90% एक्सपोर्ट कर देंगे। तो वो ईपीसीजी स्कीम है, उसके अंदर में अपने को कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया गवर्नमेंट ने। वेदर द सेम इज गवर्नमेंट ग्रांट अंडर इंडिया 20, क्या वो गवर्नमेंट ग्रांट होता है, तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट ग्रांट होता है, वो प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए दूसरा चीज़ है कि वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट माना जाए या ग्रांट रिलेटेड टू इनकम माना जाए, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो है भाई एसेट खरीदने के लिए कस्टम ड्यूटी नहीं लग रही, पर इसलिए नहीं लग रही क्योंकि मैं फ्यूचर में एक्सपोर्ट करूंगा, तो मैं क्या बोलूं, ये ग्रांट एसेट से रिलेटेड है कि इनकम से रिलेटेड है, क्या लग रहा है आपको? मुझे भी यही लगता है कि इनकम से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। तो पहला वाला तो एक दिया हुआ है, पैरा 3, गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी इन रिटर्न फॉर फ्यूचर कंप्लायंसेज, दे एक्सक्लूड दोज गवर्नमेंट असिस्टेंस विच कैन नॉट हैव अ रीजनेबल वैल्यू प्लेस अपॉन देम, यानी किसी चीज़ को आप रीजनेबल वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते तो उसको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। फिर पैरा 2 बोलता है, इन अकॉर्डेंस टू अबव इन द गिवन एग्जेम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी अंडर ईपीसीजी स्कीम इज अ गवर्नमेंट ग्रांट एंड शुड बी अकाउंटेड एज पर इंडिया 20, क्योंकि हम वैल्यू प्लेस कर पा रहे हैं तो हम इंडिया 20 में अकाउंट करेंगे। तो उसने पहले 2 पैरा में तो बोला हाँ भाई ये गवर्नमेंट ग्रांट है और इसकी अकाउंटिंग करना है, फिर उसके बाद में उसने बोला कि ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स आर गवर्नमेंट ग्रांट हुज प्राइमरी कंडीशन इज दैट एंटिटी इज क्वालिफाइंग फॉर देम शुड परचेस
कंस्ट्रक्ट और अदरवाइज अक्वायर्ड एसेट, यानी एसेट रिलेटेड ग्रांट के अंदर कंडीशन ये होती है कि तुमने उस एसेट को खरीदना और उसको यूज करना। सब्सिडियरी कंडीशन में ऑल्सो बी अटैच रेस्ट्रिक्टिंग टू टाइप ऑफ लोकेशन ऑफ एसेट और द पीरियड ड्यूरिंग विद द एसेट शुड बी अक्वायर्ड। कुछ और भी कंडीशन हो सकती है, ऐसा कुछ तो दिया हुआ है, वो सब आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। अब वो बोल रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, उन्होंने बताया कि प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट कैसा होता है। हमने दो मेथड पढ़े, एडिटिव डिडक्टिव। प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू इनकम हमने देखा कि वो पीएल में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ अदर इनकम, या फिर जो भी उससे रिलेटेड एक्सपेंस से आप डिडक्ट भी कर सकते हैं, दोनों मेथड पॉसिबल है। अब प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, इन द गिवन केस बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कंडीशन ग्रांट रिसीव्ड इज टू कंपेंसेट द इम्पोर्ट कॉस्ट ऑफ एसेट सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन ईपीसीजी एंड डज नॉट रिलेट टू परचेज कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन ऑफ एसेट, एसेट से कोई लेना देना नहीं है, हेंस द ग्रांट इज रिलेटेड टू इनकम। क्या बात, आप सब लोग एकदम सही एनालाइज कर पाए, शाबाश। तो बस उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है, इनकम में ट्रांसफर कर देना अदर इनकम में, ठीक है। अब कुछ सवाल है, अकाउंटिंग तो दोनों में पूछा है, अकाउंटिंग दोनों में पूछा है ना, तो यहाँ लिखा भी उन्होंने, अगर क्वेश्चन में लिखा है तो आपको दोनों बताना है, पर आपको सवाल क्या पूछा है कि ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है या ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, तो है तो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ठीक है। चलो बढ़िया, अब मेरे को बस एक क्वेश्चन और कराना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर सकते हैं। इससे पहले एक और है कि किसी का टीवाई कहता है जो मैंने पूरा आपको होमवर्क दिया था, इंडिया 37 है ना, ठीक है। तो मैं ना ये दोनों वीडियोस ऐड कर दूंगा बैकअप में, बैकअप में इन दोनों के मेरे को वीडियोस ऐड करना है, ये मैं ध्यान में रखता हूँ, ठीक है। अब देखो ये दो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ थोड़ी सी इंस्टीट्यूट की गड़बड़ है, ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8। कंपनी रिसीव्स अ ग्रांट ऑफ 30,000 ऑन 31st March। द ग्रांट इज टूवर्ड्स कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग यंग एंटरप्राइजेस अप्रेंटाइसेस सॉरी द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 18 months। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग 50,000 इन द ईयर 1-2 एंड 25,000 इन द ईयर 2-3। स्टेट हाउ शुड द ग्रांट बी अकाउंटेड फॉर। स्टैंडर्ड बोलता है भाई जो भी कंडीशंस अटैच है वो कंडीशंस के बेसिस पे आपने अमोर्टाइज करना है। अब स्टैंडर्ड में कुछ नहीं लिखा है इसके अलावा, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पे चले जाते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ते हैं। नहीं नहीं रुक जाओ, कुछ मत बोलो आप लोग, वेदर रिसीट बेसिस परमिसेबल या ग्रांट रिलेटेड कंडीशंस, कंडीशनल ग्रांट रिसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ पैकेज और फाइनेंशियल एड। In such a case, care is needed in identifying the conditions giving rise to cost and expenses which determine the period over which the grant will be earned. It may be appropriate to allocate part of grant on one basis and part on another. कुछ आप एक basis पे और कुछ आप दूसरे basis पे भी allocate कर सकते हो। तो ये बता रहा है conditional grants के अंदर में क्या करना पड़ता है, यानी conditional grants के अंदर में कुछ एक condition होती है जिसके basis पे आपको allocate करना है, वो condition identify करना पड़ेगा और उसके basis पे allocate करना पड़ेगा। अब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन में मेरे को कंडीशन के बेसिस पे एलोकेट करना है ये तो समझ गया, पर एलोकेट करने के दो तरीके दिख रहे हैं, एक दिख रहा है 18 महीने और दूसरा तरीका दिख रहा है एक्सपेंस बेसिस 50,000 और 25,000। आपको क्या लगता है कौन से बेसिस पे करें? तो ऋषभ जी बोल रहे हैं इनकम के बेसिस पे, यानी 50,000 25,000 है ना, एक्सपेंस के बेसिस पे बोलेंगे ऋषभ जी उसको, इनकम नहीं। और मतलब बोलो ना आप लोगों को क्या लगता है कौन से बेसिस पे करेंगे, 18 months या 50,000 to 25,000। वंशिका जी बोल रहे मंथ्स, अनिकेत जी बोल रहे मंथ्स, अरुणा जी बोल रहे मंथ्स, राम जी बोल रहे मंथ्स, तो आप में से कई लोग बोल रहे हैं मंथ्स के बेसिस पे करेंगे, ठीक है, पर क्या 50,000 to 25,000 के रेशियो में करना गलत है? तो मेरा जवाब होगा नहीं, गलत नहीं है। अरे क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ने डिफाइन थोड़ी किया, नहीं तो मंथ्स के बेसिस पे ही कर सकते हो, स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं बोला नहीं मंथ्स के बेसिस पे ही किया जाएगा, ठीक है।
तो आप में से कई लोग बोल रहे हैं मंथ्स के बेसिस पे, अब आप बोल रहे हो नहीं मंथ्स के बेसिस पे ही होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया मंथ्स के बेसिस पे ही आंसर दिया हुआ था, तो जिन लोगों ने कॉस्ट के बेसिस पे कर दिया उनका आंसर गलत हो गया, मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, तो सर मंथ्स के बेसिस पे करना है ना, रट लिया अपन ने। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, यानी इसका आंसर क्या हुआ, 30,000 में फर्स्ट ईयर में कितना एक्सपेंस बुक होगा, सेकेंड ईयर में कितना, बताओ फटाफट बताओ। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं फिर अगले क्वेश्चन से समझते हैं। तो पहली बार में तो 20,000 हुआ ना, 20,000 और 10,000 हुआ। ठीक है, फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर 10,000, चलो बढ़िया। एक बार इंस्टीट्यूट का आंसर देख लो, 20,000 10,000 ही है क्या। फिर हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम अटेम्प्ट में आया, एग्जाम में दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा गया। आई थिंक लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट ही था, May 22 ही होना चाहिए। एंटिटी ए अवार्डेड अ ग्रांट ऑफ 60,000 रिसीवेबल इन 3 ईयर्स, 40,000 इन ईयर वन, 10,000 इन ईयर टू एंड थ्री, 60,000 रुपये मिलेंगे, पहले 40 मिलेंगे फिर 10 पे 10, कॉन्टिजेंट ऑन क्रिएटिंग 10 न्यू जॉब्स एंड मेंटेनिंग देम फॉर 3 ईयर्स, 3 साल मेंटेन भी करना है। तो आप में से कई लोग बोलेंगे आप पिछला क्वेश्चन देख के कि हाँ 3 साल में अमोटाइज कर दो 20,000 रुपये हर साल। द एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड एंड टोटल कॉस्ट इनकर्ड 30,000 एंड द वेज बिल फॉर फर्स्ट ईयर इज 1 लाख, राइजिंग बाय 10,000 इन ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर्स, यानी कि एक्सपेंस कितना हुआ, फर्स्ट ईयर में 1 लाख की वेज और रिक्रूटमेंट कॉस्ट 30,000, टोटल 1,30,000, ईयर वन में 1,30,000, ईयर टू ये कॉस्ट 10,000 से बढ़ गई, ये कॉस्ट 10,000 से बढ़ गई, पर मेरे को रिक्रूटमेंट कॉस्ट थोड़ी लगा 30,000, तो 1,10,000, और उसके नेक्स्ट ईयर फिर 10,000 रुपये से बढ़ गई तो 1,20,000। इस बार इंस्टीट्यूट ने ये रेशियो लिया, आप समझ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको जज कर पा रहे हैं हाँ ठीक है पिछले क्वेश्चन में 18 महीने हो, जैसे अनिकेत जी ने बोला सर पिछले वाले में लग रहा था मंथ बेसिस, इस क्वेश्चन में लग रहा है कि एक्सपेंस बेसिस, तो ठीक है कीजिए आप फिर, अगर आप कंफर्टेबल हैं आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा अब थोड़ा सा रटना पड़ेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में मंथ बेसिस पे वो वाला क्वेश्चन आया तो ये वाला आया तो कॉस्ट बेसिस पे, ठीक है। चलो ICAI का आंसर बोथ मेथड्स है, क्वेश्चन नंबर 7 अरुणा जी एग्जाम में आया था मार्क्स नहीं मिले थे, आप बोल रहे हैं बोथ मेथड्स हैं, नहीं दिया था मार्क्स, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि दो बोथ मेथड्स नहीं है। प्रॉब्लम वही है बस, रटना पड़ेगा, मतलब अब देखो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और जिनमें ऑल्टरनेट मेथड पर मार्क्स नहीं मिले वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि रटना पड़ेगा, बहुत सारे हम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जिनमें मैं ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को पर वो एग्जाम में अभी तक नहीं आए, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ऑल्टरनेट आंसर पॉसिबल है, पर क्या होएगा एग्जाम में वी आर नॉट श्योर। डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, अभी तो समझ के चलो कि हाँ अलाउड है, जहाँ जहाँ पे है ऑलरेडी बहुत एग्जाम्स हो चुके हैं, May 18 से अभी तक के काफ़ी सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो हमको एक रफ आइडिया है कौन से क्वेश्चन के ऑल्टरनेट आंसर्स है और कौन से नहीं है। हम भी अपडेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट को, हम भी मेल करते रहते हैं हमारे साइड से, तो ऑब्वियसली अपडेट होगा, ठीक है, बट जहाँ जहाँ कॉशियस रहना है वहाँ कॉशियस रहना है, मेरा काम है आपको कॉशियस रखना, क्वेश्चन के सामने लिख के रखना। तो चलो एलोकेट तो करो, टू वन सिक्स सिक्स सेवन, वन एट ट्रिपल थ्री, ऋषभ जी बोल रहे हैं 130 कैसे हुआ, 1 लाख की सैलरी और 30,000 रुपए का रिक्रूटमेंट कॉस्ट, क्वेश्चन में लिखा है 20,000, ठीक है। तो उसने बोला है, पूरा अकाउंटिंग करके दो, ओपनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, पीएल में कितना एलोकेट किया और क्लोजिंग। तो ईयर वन में आपको गवर्नमेंट ग्रांट 40,000 मिली, आपने एलोकेट किया 21,667, तो कितना क्लोजिंग बचा है, 1,833, 1,833 का गवर्नमेंट ग्रांट, 10,000 रुपये का और गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया, 1,833 आपने एलोकेट कर दिया, तो क्लोजिंग बचा 10,000, ओपनिंग 10,000, गवर्नमेंट ग्रांट मिला नेक्स्ट ईयर 10,000, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपने एलोकेट किया 20,000, तो फाइनली हो गया 0।
यहाँ तक करके आना है एग्जाम में, ठीक है? हो गया? चलो मैं IND AS 41 ओपन कर लेता हूँ, यहाँ मेरे को क्वेश्चन नहीं मिला। चलो वेट कर रहे हैं अनिकेत जी, ले लो स्क्रीनशॉट। तो आज कंपेरेटिव अटेंडेंस कम है, बच्चे बोले अरे बोले 19 पढ़ लिया, बोले बहुत हो गया, बोले राज राघव जी आंसर देने की कोशिश भी नहीं कर रहे। वंशिका जी बोल रहे हैं सर IND AS 41 में भी था, तो आइए 41 पे आते हैं। IND AS 41 में हमने क्वेश्चन छोड़ा था, कहाँ गया गवर्नमेंट ग्रांट? पहले मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, फिर बाकी सब पढ़ेंगे। अरे ग्रांट का क्वेश्चन यहाँ भी नहीं है, एक काम करते हैं अपने कंपाइलर पे आते हैं, कंपाइलर में देखेंगे। वो 37 वाला जाने दो, वो तो डिस्कस हो गया है अपना। पेज नंबर 287, पेज नंबर 287। अरुण लिमिटेड इज एन एंटिटी एंगेज्ड इन प्लांटेशन एंड फार्मिंग ऑफ अ लार्ज स्केल एंड डाइवर्सिफाइड अक्रॉस इंडिया। 1 अप्रैल 2018 द कंपनी हैज रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 20 लाख रुपीज, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इट विल कंटिन्यू टू एंगेज इन प्लांटेशन ऑफ यूकलिप्टस ट्री फॉर द कमिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल तक के आप यूकेलिप्टस ट्री बनाएंगे तो हम आप लोगों को 20 लाख रुपए दे रहे हैं। अब मेरे दिमाग में डाउट आ गया यार, यूकेलिप्टस ट्री गवर्नमेंट ग्रांट में आना चाहिए यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आना चाहिए, या ये बेरर प्लांट है? आप समझ रहे हैं, बेरर प्लांट तो 16, और अगर बेरर प्लांट नहीं है तो फिर एग्रीकल्चर, तो फिर 41, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे? मोस्टली आप इसको बेरर प्लांट नहीं बोलेंगे, क्यों? वैसे आप लोग जानते नहीं है यूकेलिप्टस ट्री क्या होता है, इसीलिए यूकेलिप्टस ट्री में ट्री को ही काट दिया जाता है, यानी कि एक लिखा है बेरर प्लांट वो होता है जिसमें रिमोट लोकेशन जो है, रिमोट चांसेस होते हैं ट्री को काटने का, यूकेलिप्टस ट्री में ट्री को ही काटा जाता है। तो इट इज गवर्न बाई IND AS 41, ठीक है? अब आप जानते नहीं है, मतलब जो लोग जानते हैं वो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए ये ज्ञान बहुत सफिशियंट होगा। कुछ समय बाद जब आप थोड़े बड़े होंगे, बहुत पैसे कमाने लगेंगे, तो आपको आदत पड़ेगी एक कि हम फॉरेस्ट एसेंशियल्स के प्रोडक्ट खरीदेंगे। है क्या कोई यहाँ फॉरेस्ट एसेंशियल वाला? है कोई फॉरेस्ट एसेंशियल वाला? ये क्या होता है बोले? बहुत जल्द पता चलेगा अनिकेत जी, CA बनने के 5 साल में आपको पता चल जाएगा फॉरेस्ट एसेंशियल क्या होता है। और कोई किसी को नहीं पता? क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो उम्मीद रख रहा था कि किसी ना किसी को पता होगा। वंशिका जी को पता है, ये बात तो यहाँ पे समझ गई, बोले कोई कुछ नहीं बोलने वाला, बोले आप टांग खींचोगे। बोले मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि एप्पल वालों को तो पता ही होगा, मैं इनफैक्ट डायलॉग ही मारने वाला था कि एप्पल वालों को तो पता ही होगा। चलो कोई बात नहीं, तो फॉरेस्ट एसेंशियल ना ऐसे बहुत सारे झाड़ों के कुछ कुछ प्रोडक्ट बनाता रहता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, और ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें होती है। तो एक लेवल आता है कि अपना बहुत पैसा आ गया, फिर हम बोलते हैं अपन पैसे का क्या करें, जीवन भर थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे, कुछ तो महंगा खरीदें। तो अपन अमीर लोगों से दोस्ती होती है, अमीर लोगों के साथ सोशलाइजिंग शुरू होती है, वो क्या क्लब्स रहते हैं ना बहुत सारे, रोटरी क्लब और ये क्लब वो क्लब, आप सब जगह ज्वाइन करोगे। फिर ज्वाइन करने के बाद में आप फाइनली, वो लोग बोलते हैं अरे वी यूज ऑनली द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एसेंशियल, यू नो इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर योर बॉडी और ये और वो। फिर उसके बाद बोलते हैं अच्छा ये भी होता है, फिर वहाँ गए इतनी सी बॉटल लेके आओगे, 500 रुपये की इतनी सी बॉटल आएगी, उसमें मुंह धोने का साबुन रहेगा, मुश्किल से 10 बार आपका मुंह धुलेगा, ठीक है? तो वहीं पर ऐसा ही ऑयल मिलेगा यूकलिप्टस ऑयल, वेरी गुड फॉर मसाज, नो नीड टू गो टू डिफरेंट सिटीज फॉर मसाज, वैसा है। तो कोई नहीं, सब करने वाले हो आप लोग आगे, आप भी यूज़ करते हो। नहीं, मैं जब नई नई शादी हुई थी तो मेरी वाइफ लेके आई थी, बोले फॉरेस्ट एसेंशियल के प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए। अब तब तो नई नई शादी हुई थी ना, अपन ऐसे अपनी इज्जत थोड़ी गिरा सकते हैं कि हाँ ठीक है एक बार यूज़ किया उसके बाद अपन समझ गए ये सब अपने बस का नहीं है, अपन 10 रुपये के लाइफ बॉय से ही नहा सकते हैं,
अपन ये सब यूज नहीं कर सकते भाई। चलो आ जाओ यहाँ पे। तो कुछ समय इज्जत रखी, फिर उसके बाद बीवी को बोल दिया तेरे को यूज करना तू कर, मेरे लिए 10 रुपए का साबुन ही ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो ये जो है इसमें क्वेश्चन में आगे दिया रहेगा, इतना मुद्दा इसके लिए हुआ कि ये बैरर प्लांट है या नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई ये बैरर प्लांट नहीं है। ठीक है, सेकेंड पैरा पढ़ रहे हैं। द मैनेजमेंट हैज रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंटिटी विल कंप्लाई विद ऑल द कंडीशंस इन प्लांटेशन ऑफ यूकेलिप्टस ट्री फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड अकॉर्डिंगली रिकोगनाइजेज अ प्रोपोर्शनेट गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 4 लाख रुपीज ओवर द पीरियड। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है पर एग्जाम में जाए ये क्वेश्चन आया था, जहां पे भी एग्जाम नवंबर 19 लिखा हुआ है दिया था कि दिस इज नॉट अ बैरर प्लांट। तो यू डोंट नीड टू वरी, डरना मत कि बैरर प्लांट दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा। दिया रहेगा, दिस इज नॉट अ बैरर प्लांट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इंड एस 41 एग्रीकल्चर है तो गवर्नमेंट ग्रांट इंड एस 20 कवर नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ऋषभ जी बोल रहे हैं आप ग्रुप में एक शेयर किए थे जोक। अब देखिए वो ग्रुप का जोक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पढ़ा था मैंने, पर वर्चुअल के बच्चे इससे वंचित हैं उस जोक से। तो कोई बात नहीं, लेट देयर बी सम सस्पेंस फॉर वर्चुअल क्लास स्टूडेंट्स एज वेल। जाने दो, क्लास के बीच में से अपने एक क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बीच में यहाँ पे से आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछ लोगे ना तो फिर बहुत डिस्टर्बेंस होता है, लिंक टूट जाता है, ऐसे लिंक मत तोड़ा करो। चलो तो ये क्वेश्चन का मुद्दा क्या है, ये इंड एस 41 से रिलेटेड है, इंड एस 41 से रिलेटेड, ये इंड एस 20 गवर्न नहीं करेगा। तो इंड एस 41 क्या बोलता है कि भाई तुमको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी ग्रांट मिलती है ना, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक ग्रांट पीएल में नहीं जाएगा। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक ग्रांट पीएल में नहीं जाएगा। ठीक है, समझे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। हाँ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। तो यहां पे उसने डेफर कर दिया 4-4 लाख, कर सकते क्या डेफर? मैंने जो बोला उससे क्या समझ में आया, कर सकते क्या डेफर? नहीं कर सकते डेफर। ठीक है, तो पूरा का पूरा जब 5 साल बीत जाएंगे तब आप इसको पीएल में डाल सकते हैं, तब आप पीएल में डाल सकते हैं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन दो तरीके से आपको पूछा जाएगा। ये ऑल्टरनेट वन हुआ जो मैंने बोला, ऑल्टरनेट टू होगा कि अगर आपने कंडीशंस कंप्लाई नहीं की तो प्रपोर्शनेट ग्रांट रिफंड करना पड़ेगा। दो होता है, या तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की ग्रांट रिफंड करना पड़ेगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की प्रपोर्शनेट ग्रांट रिफंड करना पड़ेगा। यानी आपको ग्रांट मिली 20 लाख, आप 2 साल कंप्लाई किए उसके बाद आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो 20 साल डिवाइडेड बाय 5 × 3 इतना रिफंड करना पड़ेगा। समझ गया ना, समझ में आया? ऐसे में क्या मैं डेफर कर सकता हूं, हर साल थोड़ी थोड़ी ग्रांट रिकॉग्नाइज कर सकता हूं क्या? क्या लग रहा है आपको, ऐसे में कर सकते हैं? तो ऐसे दो तरह के ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो दोनों में अलग अलग आंसर रहेगा, बस ये ध्यान में रखिए। ऋषभ जी को नहीं समझ में आया, देखो ऋषभ जी क्या हो रहा है, देयर इज कंडीशन वन कि 5 साल काम करो, अगर नहीं किया तो फुल रिफंड। कंडीशन टू, 5 साल काम करो अगर नहीं किया तो प्रपोर्शनेट रिफंड। तो केस वन बोलता है कि आपने 2 साल काम किया, थर्ड ईयर से आप यूकेलिप्टस ट्री का काम नहीं कर रहे हो, तो वी आर नॉट सेटिस्फाइंग विद द कंडीशन, ग्रांट पूरा लौटा दो। तो पहले केस में गवर्नमेंट ग्रांट पीएल में 5 साल बाद जाएगा, पहले केस में गवर्नमेंट ग्रांट पीएल में 5 साल बाद जाएगा। दूसरा केस, 2 साल यूकेलिप्टस का काम किया, थर्ड ईयर से नहीं कर रहे हो, प्रपोर्शनेट 3 साल का बचा हुआ ग्रांट लौटा दो, रिफंड करो। ठीक है, तो सेकेंड केस में मैं डेफर गवर्नमेंट ग्रांट कर सकता हूँ हर साल कुछ कुछ, फर्स्ट केस में नहीं कर सकता। कौन सा स्टैंडर्ड बोल रहा है ये, इंड एस 41 बोल रहा है ये। ठीक है, डिफरेंस समझ गया सब लोगों को, इंड एस 41 कंपेयर टू इंड एस 20। बस हमको इतना ही जानना जरूरी था और कुछ रह नहीं गया। तो वी आर कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, अ वेरी ब्यूटिफुल स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। सर टिल 5 ईयर्स हाउ इट विल बी शोन? इट विल बी अ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो आपके लिए लाइबिलिटी साइड पे पड़ा रहेगा, लाइबिलिटी साइड पे पड़ा रहेगा हर्षल जी। ठीक है, अपना इट कैन बी करंट, इट कैन बी नॉन करंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा करंट है कि नॉन करंट है। चलो तो आगे बढ़े, इंड एस 21, इंड एस 21 की शुरुआत होती है फ्रॉम 3 पैटर्न्स ऑफ करेंसी। एक होता है फंक्शनल, एक होता है प्रेजेंटेशन और एक होता है फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो फंक्शनल करेंसी मतलब वो करेंसी जिसमें हम काम करते हैं, जिसमें हम बिजनेस करते हैं।
प्रेजेंटेशन करेंसी मतलब वो करेंसी जिसमें हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, और फॉरेन करेंसी इन दोनों के अलावा जो भी करेंसी में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो। तो आप सब लोग अभी सीए बनोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस करोगे तो फॉरेन क्लाइंट्स मिलेंगे बहुत सारे। यूएस के क्लाइंट लेके आओगे, यूके के क्लाइंट लेके आओगे, अफ्रीका के क्लाइंट्स लेके आओगे, और आप उन लोगों के लिए अकाउंटिंग करोगे। तो वो लोग आपको पैसे देंगे, पैसे देंगे कौन सी करेंसी में, बोलो बोलो। सर वो INR में पैसे देंगे, वो काहे को INR में पैसे देंगे, वो डॉलर में पैसे देंगे, कुछ भी बोलते हो अनिकेत जी, सब डॉलरों में बारिश हो रही है, पैसे आ रहे हैं डॉलरों में, और आपने यहाँ पे रखे रखे लोकल अकाउंटेंट्स, आपने वो बीकॉम वालों को लेके आए नागपुर यूनिवर्सिटी से पास हुए हुए, हमारा नागपुर यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनीज वहाँ नागपुर यूनिवर्सिटी से पास लोगों को रखती नहीं है, तो उन लोगों को आपने अकाउंटिंग सिखाया, और वो US वालों की अकाउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, आप उनको पगार दे रहे हो डॉलरों में, चलेगा, समझेगा उनको? वो बोलेंगे नहीं, गांधी होना, ये फर्जी नोट नहीं चलता हम लोगों को, तो खर्चे पूरे के पूरे करने हैं रुपीज में। यानी आपका जो पूरा काम धंधा चल रहा है वो कौन सी करेंसी में चल रहा है? वंशिका जी बोल रहे हैं सर वो डॉलर में कैसे देंगे, फैम हमें अलाउड ही नहीं है। अरे कुछ $1,00,000 या $2,00,000 तक तो अलाउड था ना, मैं तो यही पढ़ा था, हट गई क्या वो भी लिमिट, देते नहीं क्या आजकल? 2,50,000 तक अलाउड है ना, अलाउड है, क्या प्रॉब्लम है, सब अलाउड है। अरे इतने सारे लोग फॉरेन करेंसी में काम करते हैं, सब अलाउड है भाई, इतना टेंशन नहीं लेने का। तो चलो आपको पैसा मिला डॉलरों में और आप पैसे दे रहे हो INR में, आप समझो आपका मेजर बिजनेस जो पूरा इंडिया में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल INR में दे रहे हो, पगार जो दे रहे हो वो INR में दे रहे हो, खाने पीने का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, आमका टमका, सब कुछ INR में चल रहा है। डॉलर में तो इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट डॉलर पे चल रहा है ना। मतलब अगर आप किसी और से भी काम करा रहे हो, रशिया वशिया में भी काम करा रहे हो, तो रशिया वालों की भी अकाउंटिंग करते समय आप रशियन करेंसी नहीं ले रहे होंगे, आप डॉलर में ही पैसा ले रहे होंगे। आप जहाँ जा रहे हो आप हर एक जन को बोल रहे हो क्योंकि डॉलर दो, क्योंकि मार्केट ट्रेंड डॉलर का चल रहा है। डॉलर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि मार्केट ट्रेंड डॉलर का चल रहा है, आप समझ रहे हैं? अदरवाइज डॉलर का मेरे को कुछ काम नहीं था, मेरा मेजर काम पूरा का पूरा मेरी फंक्शनल करेंसी में हो रहा है, विच इज़ INR, ठीक। तो मैं अकाउंटिंग, मेरे लिए मेरी फंक्शनल करेंसी क्या है? INR, पहले फंक्शनल समझ गया ना, सारे फंक्शंस मेरे इसी में हो रहे हैं, इसलिए मैं इंडिया में बैठा हूँ, तो इंडिया में मेरे को इंडियन सरकार को भी बैलेंस शीट वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो मैं कौन सी करेंसी में वो बैलेंस शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी, तो वो भी INR, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो डॉलर वॉलर आ रहे थे ये पूरा का पूरा था फॉरेन करेंसी, क्लियर, समझ में आया? चलो, इंडिया में एक नया बिजनेस हो रहा है और आने वाले दिनों में भी एक बहुत अच्छा नया बिजनेस होगा, हम दोनों के बारे में बात करते हैं, इससे आपको जनरल अवेयरनेस भी आएगी और ये स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी यूरोप के ऊपर एक सवाल है, मार्केट ट्रेंड INR हो जाए तो फॉरेक्स डेफिसिट कम हो जाएगा, ये सब जाने दो, आप लोग इकोनॉमिक्स की बातें मत करो अभी मेरे से। चलो ये देखो, रशिया के ऊपर कैप लगा हुआ है ऑयल देने का, आई थिंक $60 पर बैरल कुछ तो भी, बराबर। तो US ने सैंक्शन लगा के रखा है कि भाई तेरे ऊपर ऊपर अपर लिमिट है, इसके ऊपर में हम तेरे को बेचने नहीं देंगे, तेरे से कोई खरीदेगा नहीं ऑयल, तो कोई नहीं खरीद रहा ऑयल, और सबको ऑयल रशिया से ही चाहिए, मतलब ऑन पेपर कोई नहीं खरीद रहा ऑयल, पर चाहिए रशिया से ही पूरा ऑयल, और ब्लैक मनी में तो नहीं खरीदेगा कोई भी कंट्री, गवर्नमेंट तो एटलीस्ट ब्लैक मनी में नहीं खरीदेगी। तो अब यहाँ पे आ गया इंडिया, इंडिया के ऊपर कोई कैप नहीं है, डेवलप नेशंस ने कैपिंग लगा के रखी है, डेवलपिंग नेशंस पे कोई कैप नहीं है। तो इंडिया में बिजनेस हो रहा है कि रशिया से आ रहा है यहाँ पे क्रूड, ये क्रूड हो रहा है कन्वर्ट, कन्वर्ट होगा इनटू पेट्रोल डीजल, एज इट इज सेल नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ कन्वर्ट कर रहे हैं, और कन्वर्ट करके सेल कर रहे हैं किसको? USA को, USA के अलावा यूरोप को। तो ये सब कुछ हो रहा है इंडिया से, एक नंबर काम, पैसा ही पैसा, इंडिया पे कोई कैप नहीं है, इंडिया से कोई भी रेट पे खरीदो, तो रशिया से कोई भी रेट पे इंडिया में आ रहा है, इंडिया में थोड़ी बहुत रिफाइनिंग विफाइनिंग हो रही है, और वो कोई भी रेट पे जा रहा है US यूरोप को, तो वहाँ के लोगों को लग रहा है यहाँ यूरोप से नहीं खरीदा जा रहा, कुछ तो हो रहा है, पर खरीदा यूरोप से ही जा रहा है। पर इंडिया में बैठी हुई कंपनी के बारे में सोचना है अभी, ठीक है ना? तो मैंने जनरल अवेयरनेस तो दे दिया, अब इंडिया में बैठी हुई कंपनी क्रूड खरीद रही है रशियन करेंसी में, रशियन करेंसी कौन सी है, कौन कर रहा है ये? रिलायंस, करेक्ट, बाकी सब जाने दो, रिलायंस कर रहा है बस, रूबल।
तो रशिया की करेंसी है रूबल, पेमेंट करना पड़ रहा पूरा रूबल में, है कि नहीं? खैर वो लोग तो INR भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्होंने तो जो अपने साथ ट्रांजैक्शन किया उसमें उन्होंने बोला हम INR भी एक्सेप्ट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन मान रहे हैं क्या रूबल में, और अपन जो सेल कर रहे हैं वो रहे डॉलरों में, समझ रहे हो? बड़ा दिक्कत का काम है कि हमारा बाय है रूबल में, ये सब कौन कर रहा है? रिलायंस कर रहा है, एक्चुअल में कर रहा है रिलायंस, ये सब सेल कर रहे हैं डॉलर में, यूरो में, एक्सपेंसेस जो बेयर कर रहे हैं अदर एक्सपेंसेस, ये बाई के अलावा जितने भी अदर एक्सपेंसेस है वो पूरे के पूरे INR में। अब बड़ी दिक्कत है कि भाई फंक्शनल करेंसी क्या है, डिपेंड करता है कि मेजर फंक्शन क्या है। व्हाट डू यू थिंक मेजर फंक्शन क्या है? व्हाट डू यू थिंक मेजर फंक्शन क्या है? बेचना मेजर फंक्शन है कि खरीदना मेजर फंक्शन है? बहुत सोचने वाली बात है बॉस, कि बेचना मेजर फंक्शन है, खरीदना मेजर फंक्शन है, या अदर एक्सपेंसेस मेजर फंक्शन है। मैं भी यही बोलूंगा कि इम्पोर्ट मेजर फंक्शन है। अरे प्रोसेसिंग फालतू है, चने फुटाने हैं। आपको मैंने एक प्रोडक्ट दे दिया, उस प्रोडक्ट में से पेट्रोल अलग करना और ऑयल अलग, डीजल अलग, अरे क्या खर्चा लग जाएगा? तुम्हारा कुछ खर्चा नहीं लगने वाला, तुम्हारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्रूड है, ठीक है? खरीदना मेजर फंक्शन, कभी भी ध्यान में रखो। बेचना कौन सी बड़ी बात है यार, खरीदने के लिए बहुत लोग खर बैठे हैं, मेन चीज है आना। सेल करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, मेन चीज है आना इस बिजनेस में। अब वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा, सेल भी बिजनेस टू बिजनेस चेंज हो सकता है, किसी बिजनेस के लिए सेल मेजर फंक्शन हो जाएगा, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि इसके अंदर में बाई सबसे मेजर फंक्शन है। तो अब आपकी फंक्शनल करेंसी होगी रूबल, समझ रहे हो? अब आपकी फंक्शनल करेंसी होगी रूबल। अरे ठीक है ना, शाबाश ऋषभ जी, और कुछ सुनना है? सेल हाई वैल्यू पर होगा तो वो होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है अनिकेत जी कि सेल हाई वैल्यू पे हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट सिचुएशंस डिपेंड करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसका सप्लाई कंस्ट्रेंट है तो उसके लिए सप्लाई मेजर फंक्शन हो गया। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए डिमांड कंस्ट्रेंट है तो डिमांड मेजर फंक्शन हो गया, तो डिपेंड उसके ऊपर करता है, ठीक है? हाँ तो रूबल इज योर फंक्शनल करेंसी, पर आप बैठे हो इंडिया में, सरकार को रिपोर्ट करना है, तो सरकार को रूबल में चलेगा क्या? अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे 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 अरे, चलो रिकॉर्डिंग दो टुकड़ों में होगी, रुक जाओ 2 मिनट। तो अपनी क्लासेस पे ना अंबानी जी की पूरी नज़र है, फट से ऐसा कट कर देते हैं, आड़ी टेढ़ी कोई बात नहीं करना। चलो तो रूबल मेजर करेंसी है, पर इंडियन गवर्नमेंट को प्रेजेंट किस पे करना है, चलो बताओ, इंडिया को रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। INR में तो INR प्रेजेंटेशन करेंसी बन गई इसमें, और इसके अलावा जो भी करेंसीज है डॉलर यूरो ये सब कोई हुई आपकी फॉरेन करेंसी, ठीक जम गया? तो फंक्शनल करेंसी के लिए आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरी बात, अगर सेल आप डॉलर में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर आप किसी और करेंसी में सेल कर रहे हैं तो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ट्रेंड अगर वो करेंसी है तो फंक्शनल करेंसी नहीं बन जाती। अगर आप सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, पर आप जो भी कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ट्रेंड वही करेंसी में है, मार्केट उसी करेंसी पे चलता है, इसीलिए मार्केट इज डिनोमिनेटेड बाय दैट करेंसी, इन दैट केस दैट डज नॉट बिकम योर फंक्शनल करेंसी, उस रीजन से वो आपकी फंक्शनल करेंसी कभी नहीं बनेगी, ठीक? तो मेजर फंक्शन जिसमें कैरी आउट होता है, मेजर फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई होता है, उसके बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शनल करेंसी, एक बार एग्जाम में आया था, ठीक है? मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है? जम गया? हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि फॉरेन करेंसी से फंक्शनल करेंसी में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, और दूसरा फंक्शनल करेंसी से प्रेजेंटेशन करेंसी में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। देर आर टू सेट ऑफ रूल्स दैट आर गिवन इन द स्टैंडर्ड, F2F बोलूंगा मैं फॉरेन टू फंक्शनल, और F2P बोलूंगा फंक्शनल टू प्रेजेंटेशन, ठीक? और हमेशा यही फ्लो होगा, मेरे को प्रेजेंटेशन करेंसी में बैलेंस शीट देना है और फॉरेन करेंसी है मेरे पास, तो फॉरेन करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी नहीं हो सकता, फॉरेन टू फंक्शनल पहले कन्वर्ट करो, फिर फंक्शनल से प्रेजेंटेशन कन्वर्ट होगा, ठीक है? लैग हो रहा है क्या? नहीं, हाँ क्या बात कर रहे हो, लैग हो रहा है? ओहो चलो रुको 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 रुको, तो अब मैं थोड़ा एग्जिट करके एंटर करता हूँ ना क्लास में, रुको रुको, ओके वेलकम बैक टू आवर क्लास। अभी हो रहा है क्या?
बोलो अब लैग हो रहा है? नहीं हो रहा है? तो आप जिन लोगों का अभी भी लैग हो रहा है थोड़ा एग्जिट करके एंटर करो। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। रिसेंटली कश्मीर में लिथियम मिला है, फिफ्थ लार्जेस्ट डिपॉजिट इन द वर्ल्ड ऑफ लिथियम। सुना आप लोगों ने? अब लिथियम मिला है, मतलब आप सब लोग जनरल अवेयरनेस रखते हो, अच्छी बात है ये। तो लिथियम मिला है, अब लिथियम ये जो मिला है, ये लिथियम को बैटरी में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी अपने पास नहीं है। अपने पास क्या? बहुत सारे देशों के पास नहीं है। तो अभी सी बात है, लिथियम मिला है सिर्फ। अब उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करना है, कुछ भी करना है, तो इंडियन गवर्नमेंट ये तो नहीं मानेगी कि चलो एक्सट्रैक्ट करो और उसको फॉरेन में भेज दो। बोलेंगे कुछ ना कुछ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि नहीं, प्लांट आप इंडिया में ही लगाओ, यानी उसका प्लांट कश्मीर में आएगा। तो कश्मीर घूम के आना है तो घूम के आ जाओ, ज़्यादा समय का कश्मीर बचा नहीं है अब आप लोगों के लिए। चलो तो एक फॉरेन कंपनी आएगी जो कश्मीर में, अरे कहीं भी मिलाओ, जम्मू में मिलाओ, कश्मीर में मिलाओ, जे एंड के पकड़ लो ना यार, अभी मुद्दे पे रहो, ठीक है? तो एक फॉरेन कंपनी आएगी जो इंडिया में ये पूरा का पूरा ये जो लिथियम है उसको प्रोसेस करेगी। ऑब्वियस सी बात है, लिथियम खरीदना इंडियन कंपनी से ही है, एक्सट्रैक्ट करने के राइट्स तो किसी ना किसी अडानी अंबानी ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मिल जाएगा, मतलब मेरा बोलना नहीं है अडानी अंबानी को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे किसी को तो भी मिल जाएगा। तो वो लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर वो एक्सट्रैक्ट करके उस फॉरेन कंपनी को सेल करेंगे। तो जो फॉरेन कंपनी है वो मोस्टली चाइना की कंपनी रहेगी, मोस्टली चाइना की कंपनी आने वाली है, चाइना के पास ही है पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी। तो दे विल बाय इन INR, दे विल प्रोसेस इन क्या, येन है, युआन है, कौन सा करेंसी है? युआन, ठीक है। फिर सेल डॉलर, यूरो, न जाने कितने करेंसीज में, ठीक है? तो अभी मेरे को बताओ फंक्शनल करेंसी मेन क्या होगी? ये जो फॉरेन कंपनी है INR, क्योंकि लिथियम खरीदना सबसे मेन है ना? नहीं, अरे आप लोग कुछ जानते ही नहीं है क्यों? अगर लिथियम खरीदना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो इंडिया की कंपनी नहीं पर प्रोसेस कर लेती उसको। प्रोसेस करना, क्योंकि इट इज हाईली, वो क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल आइटम, मतलब इतना ईजिली कंट्रोल नहीं होता है वो, तो कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत लगती है उसको, टेक्नोलॉजी लगती है, और टेक्नोलॉजी पे बहुत पकड़ होनी चाहिए, साफ सुथरा काम है, तो इसीलिए चाइना, ठीक है? तो युआन प्रोसेस, युआन में सब कुछ होगा, वो फंक्शनल करेंसी बन गई यहाँ पे। तो मैं दो अलग अलग एग्जाम्पल क्यों दिया, पिछले वाले में इम्पोर्ट मेन था तो इसीलिए रूबल था, यहाँ प्रोसेसिंग मेन है इसीलिए युआन फंक्शनल करेंसी बन रही है, ठीक है? पर प्रेजेंट तो इंडिया में ही करना पड़ेगा, करेक्ट? तो प्रेजेंटेशन करेंसी हो गई अपनी INR, ठीक है? प्रेजेंटेशन करेंसी बन गया INR। तो ये जानना जरूरी है कि इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज बैठी है जिनके लिए फंक्शनल करेंसी कुछ और रहती है, पर उन लोगों के लिए प्रेजेंटेशन करेंसी तो कुछ भी हो INR ही रहेगी। और इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज बैठी है जिनके फॉरेन में सब्सिडियरीज है, फॉर एग्जाम्पल टाटा, टाटा हैज दिस लैंड रोवर, रेंज रोवर। अब उसको भी तो कंसोलिडेट करना है, वो यूरो में बनी हुई बैलेंस शीट, यूरो में बनी हुई बैलेंस शीट है, अपने को इंडिया में उसको कन्वर्ट करना है, तो उनको जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो आप प्रेजेंटेशन करेंसी INR में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कुछ भी बोलो, प्रेजेंटेशन करेंसी तो मोस्टली INR ही रहेगी, मोस्टली 90% अपने स्टैंडर्ड के अंदर में, ठीक है? फंक्शनल करेंसी अलग 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 हो सकती है, क्लियर? मजा आया? चलो तो पहली कहानी हम पढ़ रहे हैं, एफ टू एफ, फॉरेन टू फंक्शनल। चाइना को क्यों नहीं बुलाएंगे? वैसे भी इतने सालों से जम्मू एंड कश्मीर का प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना को क्यों ही बुलाएंगे? वंशिका जी, आप क्या जानते हैं इस दुनिया के बारे में? आप कुछ नहीं जानते, दुनिया बहुत जालिम है। सिर्फ एप्पल का फ़ोन खरीद लेने से दुनिया ब्यूटीफुल नहीं हो जाती? सर फंक्शनल तो फॉरेन भी करना पड़ सकता है क्या? नहीं ऋषभ जी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? आप लोगों को पता है चाइना एक खुद ऑल्टरनेट सन बना रहा है, सन सन सूरज बेटा, नहीं सूरज सूरज, तो उससे पूरा का पूरा वर्ल्ड का इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम झट से खत्म हो जाएगा ऐसा कहना है। उसका फर्स्ट टेस्ट रन हो भी गया, उसके अंदर इनिशियल फंडिंग जिन्होंने भी किया उन्होंने बोला कि इन लोगों को हम लोग लाइफ टाइम फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे।
वन ऑफ द पर्सन हु हैज इनिशियली फंडेड दिस इज इंडिया. जानते कि नहीं? अरे मून जाने दो, मून फालतू है. सन पता है कि नहीं? इंडिया ने पैसा दे के रखा है. अब आप बोलते हो इंडिया के साथ अपना प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना का ऐसा वैसा. कुछ नहीं है, अपन सब चाइना के साथ भी ट्रेड करते हैं. आप लोगों को क्या दिखाया जाता है और एक्चुअल दुनिया में क्या हो रहा है, ये दो अलग अलग बातें हैं. सब दोगलापन है. करेक्ट, बट यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस वर्ड अनिकेत जी. कॉपीराइट वर्ड है वो, आपको सू किया जा सकता है. बड़े हो गया टाइम पास. तो एफ टू एफ करेंसी ए, आपके पास जितने भी मॉनेटरी आइटम्स है, मॉनेटरी आइटम्स आप समझते हैं, उसको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर देना. ठीक है. बी, आपके पास जो भी नॉन मॉनेटरी आइटम्स है उनको आप हिस्टोरिकल रेट यानी जो रेट पे ट्रांजैक्शन किया था उसी रेट पे कन्वर्ट कर देना. सी, अब इनमें एसेट लाइबिलिटी दोनों आ गए, मॉनेटरी आइटम्स में, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम्स में. इक्विटी ये आपको दिया रहेगा तो यू डोंट नीड टू वरी. डी, पीएल, पीएल एवरेज रेट पे कन्वर्ट होगा. ई, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि डिफरेंस आ गया बैलेंस शीट में तो उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. उसको कहाँ डालेंगे? उसको पीएल में डालेंगे. हम बात कर रहे हैं फॉरेन ऑपरेशंस की. चलो सर रिक्लासिफिकेशन वाला होता है ना. अरे पीएल में डाल रहे हैं अरुणा जी, तो काहे का रिक्लासिफिकेशन? सर ये मॉनेटरी आइटम पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन दो. मॉनेटरी आइटम मतलब समथिंग दैट इज रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, समथिंग नॉट रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश. समथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, रेडिली लगा दिया तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बन गया. तो वो चीज़ें जो नॉन अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट हो सकती है वो मॉनेटरी आइटम्स होती है, जैसे डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एसेट साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे लोन्स वैसे. ठीक है. तो मोस्टली सारी की सारी लाइबिलिटीज मोस्टली मॉनेटरी होती है, बहुत कम नॉन मॉनेटरी होती है. फॉर एग्जांपल नॉन मॉनेटरी में हो जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू, नॉन मॉनेटरी आइटम. ठीक है. और कुछ जानना है किसी को? चल अगला रूल लिख रहे हैं एफ टू पी. एफ टू पी मतलब फंक्शनल टू प्रेजेंटेशन. हमारे पास है मॉनेटरी आइटम्स, हमारे पास है नॉन मॉनेटरी आइटम्स, सब पे क्लोजिंग रेट, सब पे क्लोजिंग रेट. ठीक है. हमारे पास है इक्विटी, ये गिवन रहेगा. हमारे पास है पीएल एवरेज रेट, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व बन जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिक्लासिफाइबल. जब फॉरेन ऑपरेशन बेचोगे तब पीएल में ट्रांसफर होगा ये. तो दिस इज एफ टू पी रूल्स. इज दिस फॉरेन ट्रांसलेशंस? हाँ. एफ ई एफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन? हाँ. तो ये हम जो भी पढ़े ये हम फॉरेन ऑपरेशंस की बात की है कि फॉरेन में हमारे ऑपरेशंस है, फॉरेन में अपना बिजनेस चल रहा है, फॉरेन में अपनी ब्रांच है, फॉरेन में अपनी सब्सिडियरी है, फॉरेन में कुछ तो है अपना बैठा हुआ. ठीक है. बड़े नीचे ब्लर आ रहा, ये लो. अब सर ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं कि लिथियम लेके आ रहे हैं, ऑयल लेके आ रहे हैं. हम ठहरे सी ये बच्चे, हम पहले ही दिन से थोड़ी फॉरेन ऑपरेशंस शुरू कर देंगे. हम तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस करेंगे. फॉरेन ऑपरेशंस और फॉरेन ट्रांजैक्शंस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जानते हैं ना? फॉरेन ऑपरेशन मतलब फॉरेन में ब्रांच है, एक अपन सीए, एक सीए को वहाँ बिठा दिया और अपन साथ में काम कर रहे हैं. फॉरेन ऑपरेशंस, अपन सीए यहाँ बैठे हैं और फॉरेन के लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. फॉरेन ट्रांजैक्शंस, तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस अलग होते हैं. ठीक. तो अगर आपने फॉरेन से सिर्फ ट्रांजैक्शन किया है तो ऐसे में अगर आपकी बुक्स में कोई मॉनेटरी आइटम है विच इज रिसीवेबल और पेबल इन फॉरेन करेंसी,
डेटर्स क्रेडिटर्स, समझ गए, इन फॉरेन करेंसी। और ऐसा ही कुछ तो हम लोगों ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में भी पढ़ा था, बोलो क्या, बोलो बोलो, किसी को याद नहीं आ रहा है सर। इंडियस 23 था कौन सा स्टैंडर्ड, हमको तो ये भी याद नहीं है। आप बोलते हो इंडियस 23 में भी हमने कुछ पढ़ा था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 बोरिंग कॉस्ट था, बोरिंग कॉस्ट की शुरुआत हुई थी फॉरेन करेंसी लोन से, तो फॉरेन से लोन लेके रखा है, तो समथिंग दैट इज पेबल इन फॉरेन करेंसी। हाँ, अच्छा, स्टेप्स याद है क्या, स्टेप्स थे बोले, तो यहां भी डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस को पीएल में डालना है, ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है। सिर्फ एक ही केस है जिसमें ओसीआई बन रहा है एफ टू पी, और किसी केस में ओसीआई नहीं बनेगा। चलो बढ़े, अब हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा है फॉरेन में। स्टॉक तो कायदे से नॉन मॉनिटरी आइटम होता है, ठीक, स्टॉक यानी इन्वेंटरी की बात कर रहा हूं। अब फॉरेन में पड़ा है, अब नॉन मॉनेटरी आइटम है तो ऑब्वियस ही बात है मैं क्लोजिंग रेट नहीं लगाऊंगा, क्लोजिंग रेट हम सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स के लिए लगा रहे हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम्स के लिए नहीं लगा रहे। पर इंड एस टू बोलता है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे मेजर करना, तो कॉस्ट तो हिस्टोरिकल रेट पे कन्वर्ट करके मिल जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लगाना है ये फॉर्मूला तो आईएनआर में चेक कर रहे हैं ना, बैलेंस शीट आईएनआर में बन रही है, तो ये फॉर्मूला आईएनआर पे लग रहा है, तो आईएनआर में बताओ कॉस्ट कितना, आईएनआर में बताओ एनआरवी कितना, तो कॉस्ट इज एट हिस्टोरिकल रेट, एनआरवी क्या रेट पे रहेगा, तो एनआरवी आप क्लोजिंग रेट पे यानी जिस दिन का फेयर वैल्यू उस दिन के रेट पे लगाओगे। जम रहा है, तो टोटल इतने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोगों को समझना है इंडिया 21 में। शुरू करें तो पहले क्या पढ़ना चाहोगे, सही सब 31 मार्च को करेंगे, रिपोर्टिंग डेट, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो पहले क्या पढ़ना चाहोगे, फॉरेन ट्रांजैक्शंस या फॉरेन ऑपरेशंस, बोलो, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, पहले आप क्या पढ़ना चाहते हो सर, रिपीट कर दीजिए एक बार। देखिए मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है अरुणा जी, फॉरेन में पड़ी है, ठीक है, यूएस के गोडाउन में पड़ी है, अब मेरे को सिर्फ इन्वेंट्री है वहाँ पे बेच देंगे खत्म करेंगे, फॉरेन ऑपरेशन नहीं है मेरे, वहाँ के गोडाउन में सिर्फ कुछ गुड्स पड़े हैं क्योंकि अपन गुड्स वहाँ पे बेचते हैं, यहाँ से खरीदते हैं वहाँ पे बेच देते हैं, तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, पान मसाला वगैरह होता है और पापड़ होता है, ये दोनों चीज़ें फॉरेन में बहुत बिकती है, तो पान मसाला पापड़ ये सब चीज़ें आप वहाँ पे, कोई ऐसा थोड़ी वहाँ पे अपनी ब्रांच खोल दोगे, वहाँ के वेयरहाउस में पड़ा रहेगा, वहाँ पे जैसे यहाँ इंडिया में कस्टम डिपार्टमेंट का वेयरहाउस होता है वहाँ पे भी वेयरहाउसेस होते हैं, वहाँ पड़ा है, जब आएगा कोई खरीदार तो वहाँ से भेज देंगे, तो वहाँ गुड्स पड़े हैं, अब आपको उसका कॉस्ट चाहिए, आपको उसका एनआरवी चाहिए, तो कॉस्ट तो भाई हमने क्या रेट पे खरीदा वो, या इंडिया से भेजा है तो इंडिया का ही रेट हो गया, और एनआरवी क्या हो जाएगा, कॉस्ट अगर वहीं से खरीदा है तो जिस दिन खरीदा उस दिन का रेट, और एनआरवी क्या होगा, जिस दिन फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं रिपोर्टिंग डेट उस दिन का फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उस दिन का क्लोजिंग रेट, ऐसा बोल रहे हैं और क्या, ठीक है। फॉरेन में पान मसाला चलता है, अरे बहुत चलता है, इंडियन सब जगह बैठे हैं, वो एक नट भी आता है, नट चेस्ट नट बोलते हैं या पता नहीं क्या, वो भी बहुत बिकता है सर। जो थोड़ा पहले टफ होना वो वाला पहले कराओ, अच्छा मतलब आप लोग अलग ही चल रहे हो, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी लोग ऑपरेशन ही बोले हैं, तो चलो ऑपरेशन से शुरुआत करते हैं। आइए आप भी क्या याद रखेंगे, फॉरेन ऑपरेशंस, पेज नंबर 10.102, क्वेश्चन नंबर 3, ये मॉड्यूल कौन सी है कोई बताएं, पेज नंबर 10.102, पेज नंबर से आप लोगों को मॉड्यूल्स पता चल रहे थे ना, 3 नंबर, इंफोटेक ग्लोबल लिमिटेड फंक्शनल करेंसी ऑफ यूएसडी, उसने आपको बता दिया कि देख भाई हमारी फंक्शनल करेंसी तो यूएसडी है, एंड नीड्स टू ट्रांसलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनटू फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ इंफोटेक इंक, ठीक है ना, ध्यान रखिए यहाँ इंक लिखा है और वहां पे ग्लोबल लिमिटेड लिखा है ना, ये दो अलग अलग कंपनीज है, लोकल डॉलर मतलब ये लोकल डॉलर प्रेजेंटेशन करेंसी होगी, है ना, समझ में आया, तो कौन सा रूल लगा रहे हो, एफ टू एफ की एफ टू पी, वो बोलता है देख भाई हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है यूएसडी, हमको कन्वर्ट करना है बैलेंस शीट को इनटू लोकल डॉलर, तो कौन सा रूल लग रहा है, एफ टू पी, एग्जाम में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि भाई कौन से रूल के बेसिस पे काम कर रहे हो। चलो
द फॉलोइंग बैलेंसेस अपियर इन द बुक्स, ऊपर लिखा नहीं है, आपने आइडेंटिफाई किया वंशिका जी क्वेश्चन को पढ़ के कि पहली लाइन फंक्शनल थी, दूसरा वाला प्रेजेंटेशन था, इसलिए वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू फंक्शनल टू प्रेजेंटेशन करेंसी, वहां नहीं लिखा है। फॉलोइंग इज द बैलेंस दैट अपियर इन द बैलेंस शीट, तो मैंने आपको कहा था इक्विटी आपको दिया रहेगा, ये देखो इक्विटी कन्वर्ट करके उसने दे दिया ऑलरेडी आपको लोकल डॉलर में। फिर वो बोलता है ट्रांसलेट द अबव बैलेंस ऑफ इन्फोटेक ग्लोबल इनटू लोकल डॉलर रेडी टू बी कंसोलिडेटेड इनटू इन्फो इंक, प्रिपेयर द वर्किंग। अब उन्होंने आपको कुछ रेट दिए, ये हो गया ओपनिंग रेट बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये हो गया एवरेज रेट, और ये हो गया आपका क्लोजिंग रेट। ठीक है सर, हर बार दिया रहेगा ना, ये दिया रहेगा क्या फंक्शनल करेंसी है और क्या प्रेजेंटेशन करेंसी है, आप किस में कन्वर्ट करना है बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन में पूछा रहेगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एफ टू एफ है या एफ टू पी है, आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा। वो आपको बता देगा देख भाई ये फंक्शनल करेंसी है, देख भाई ये प्रेजेंट ये करेंसी में चाहिए बैलेंस शीट एफ टू पी, ये करेंसी में बैलेंस शीट है, ये हमारी फंक्शनल करेंसी है एफ टू एफ। ठीक है, अगर फंक्शनल करेंसी में मांग रहा है, बोल रहा है ये फंक्शनल करेंसी है, करेंसी दे दिया, अगर उसमें बैलेंस शीट बनाना है तो एफ टू एफ, उसके अलावा कोई भी करेंसी में बैलेंस शीट बनाना है तो एफ टू पी, ऐसे आइडेंटिफाई करो एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन में दिया है ये फंक्शनल करेंसी है, जैसे इसमें दिया डॉलर, अगर आप उस करेंसी में बैलेंस शीट बना रहे हो तो एफ टू पी, एफ टू एफ, एफ टू एफ, और अगर उसके अलावा कोई भी करेंसी में बना रहे हो तो एफ टू पी, ये तरीके से याद रखेंगे सब लोग। तो यहाँ एफ टू पी रूल्स है, आपके सामने कुछ रेट्स है, लोकल डॉलर इज इक्वल टू यूएसडी 1.22, और मैं यूएसडी वाली बैलेंस शीट को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करूंगा कि डिवाइड, मल्टीप्लाई करूंगा कि डिवाइड कन्वर्ट करने के लिए। बोलो बोलो एसएफएम के बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा, ये याद रखना एग्जाम में कब मल्टीप्लाई करना है कब डिवाइड करना है, गड़बड़ कर दी है, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो चलो मेरे लिए मेन रेट तो हमेशा क्लोजिंग रेट ही होता है 1.13 एफ टू पी में, तो मेरे को बताओ ये जो 50,000 है इसको क्या करेंगे, क्या रेट से डिवाइड करें, 1.22, 1.175, 1.13, 1.14, वंशिका जी नेक्स्ट लेवल चल रहे हैं, 1.13। आज शिवांगी जी नहीं आए क्या, नहीं आए, ये भी 1.13। ठीक है फ्राइडे को शायद ऑड इवन दिल्ली में नहीं चलता होगा, दोनों गाड़ियों को अलाउ कर दिया जाता होगा कि दोनों चला सकते हैं गाड़ी। चलो ये प्रॉफिट है 20,000, इसका क्या करें, 20,000 का प्रॉफिट क्या रेट से कन्वर्ट करोगे, 1.175, ये 8,40,000, समझ पा रहे होंगे सब लोग, धड़ाधड़ कन्वर्ट करो। चलो बताओ पहला पीपी कन्वर्ट किया आपने, कितना अमाउंट बना, फोर फोर टू फोर सेवन, 4,4,247.78, तो 0.78 भी लिख देता हूँ। चलो रिसीवेबल्स 8,27,435, चलो आप लोग राउंड फिगर में बता रहे हो तो मैं भी ऊपर वाला भी फिर राउंड फिगर करता हूँ 8। चलो ये टोटल बन गया नीचे 20,000 डिवाइडेड बाय 1.175, एट टू सेवन फोर थ्री फोर है क्या, तो चलो 434 कर देते हैं, 1,7,021, 8,71 नहीं, 8,71 नहीं हो सकता, 8,17 होगा, 7,433,63, 4,15,93। चलो दोनों साइड ऐड करो कितना हो रहा है, 8,71,682 टोटल ऊपर नीचे, एट 01,977, तो कितने का आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, 69,705, पीएल में डालू की ओसी है, पीएल में डालूगी ओसीआई, ओसीआई गेन है कि लॉस,
सो 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 गेन गेन अनिकेत जी गेन, लाइबिलिटी साइड कम है, लाइबिलिटी साइड को बढ़ा रहे हो तो फायदा हो गया ना, लाइबिलिटी साइड को बढ़ा रहे हो फायदा हो गया, गेन ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार, समझ गए आप लोग। एक नंबर क्वेश्चन बैंक ओपन करें, सालों से इंस्टीट्यूट के पास एक ही क्वेश्चन था इसका, फिर इंस्टीट्यूट ने एक नया क्वेश्चन फ्रेम किया, बोला क्या वही वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं हम हर बार, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू इन लाइफ। तो इंस्टीट्यूट ने नया क्वेश्चन दिया पेज नंबर 130। एमटीपी नवंबर 21 में, पीक्यूआर होल्डिंग लिमिटेड इज बेस्ड इन लंडन एंड हैज पाउंड स्टर्लिंग एज फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी। तो लंदन में बैठा है, वही उसकी फंक्शनल करेंसी, वही उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी। ऑन 1 अप्रैल पी क्यू आर होल्डिंग लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड पी क्यू आर इंडिया लिमिटेड, उसने इंडिया में अपनी एक सब्सिडियरी बनी एज इट्स होली ओन सब्सिडियरी विच इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ आइटम परचेज फ्रॉम पी क्यू आर होल्डिंग। शेयर ऑफ पी क्यू आर हैज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच अमाउंटिंग टू टोटल 500 करोड़ रुपीज। पेज नंबर 130, आप लोग पहली बार में पेज नंबर क्यों नहीं सुनते हो यार। पीक्यूआर लिमिटेड हैज अडॉप्टेड इंड एस विद अफेक्ट फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन इन अकॉर्डेंस विद इंड एस मैनेजमेंट ऑफ पीक्यूआर इट हैज कंक्लूडेड दैट इट्स फंक्शनल करेंसी इज INR। ध्यान रखो उसकी फंक्शनल करेंसी INR है। फॉलोइंग द समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2002 बींग द रिपोर्टिंग डेट ऑफ पीक्यूआर इंडिया एंड पीक्यूआर होल्डिंग ऑल अमाउंट्स बिलो आर इन करोड़ रुपीज इन करोड़। जब भी ऐसा साइन रहेगा मेरे नोट्स में आप समझ जाओ रुपीज है, तो रुपीज इन करोड़ यानी आपको पूरी की पूरी जो टीबी दिया उसने ट्रायल बैलेंस, ये उसने पूरा का पूरा रुपीज में दिया, वो आपको कन्वर्ट करने बोलेगा GBP में, कन्वर्ट करने बोलेगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट कर रहे हो? सिंस द प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ पीक्यूआर होल्डिंग है GBP, पी क्यू आर इंडिया इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट इट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम INR टू GBP। कौन सा रूल लग रहा है? F2F F2P। F2P समझ गया सब लोग, शाबाश। तो आपको उन्होंने कुछ क्लोजिंग स्पॉट रेट्स दिए, एक 1 अप्रैल, एक 30 अप्रैल, एक 5 मई, एक 15 मार्च और एक 31 मार्च। उसके अलावा एवरेज रेट भी दिया, बहुत मेहनत लगने वाली है मेरे को लग रहा है। तो उन्होंने आपको पहले तो एक पूरी बैलेंस शीट दी है, टैली होगी ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे टोटल 842 लिखा हुआ है। अब टाइपिंग एरर होगा तो पता नहीं, बाकी मेरे को लग रहा है कि टैली है। फिर वो बोलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज अंडर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 30 अप्रैल को खरीदा था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 5 मई को खरीदा था। पी क्यू आर लिमिटेड हैज अडॉप्टेड द फॉलोइंग अकाउंटिंग पॉलिसी विद रिलेशन टू शेयर होल्डर्स फंड टू ट्रांसलेट शेयर कैपिटल हिस्टोरिकल रेट पे, शेयर प्रीमियम हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पे और रिटेन अर्निंग को एवरेज रेट पे। तो देखो इस क्वेश्चन में ना शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज एक्सचेंज प्रीमियम ये दोनों का कन्वर्जन रेट नहीं दिया हुआ है, मतलब गिवन नहीं है क्वेश्चन में, जैसे मैं आपको हमेशा लिख के दे रहा हूँ गिवन, पर अपने को पता है इस पे हिस्टोरिकल रेट लगता है। खैर हमको नहीं पता, वहाँ लिख लेते हैं, बेटर होगा कि आप नोट्स में लिख लें, जहाँ मैंने गिवन दिया था ना वहाँ पर लिख दें कि वो हिस्टोरिकल रेट होता है। यानी जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ होगा, चलिए आ गया। अब एंटिटी को 1 अप्रैल 2001 को अक्वायर किया था तो वही हुआ ना हिस्टोरिकल रेट, तो हिस्टोरिकल रेट तो 1 अप्रैल 2001 का होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये बीच बीच में पता नहीं कुत्तों भी हो रहा है आज गड़बड़। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको 1 अप्रैल 2001 का रेट दिया हुआ है, 1 INR इज इक्वल टू 0.0123 GBP। मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड, मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड? यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ध्यान रखेंगे, यहाँ डिवाइड नहीं होएगा। चलो वैसे कुछ चीज़ें तो ऐसे ही लॉजिकली समझ जाएगी, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड, बोले यार INR में वैल्यू दी है तो GBP में तो वैल्यू कम ही होती है अपने देश की,
वो तो अपने को पता ही है। तो 500 को अगर डिवाइड करोगे 0.0123 से तो ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, वो तो गलत ही आंसर। मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी लॉजिक में समझ जाएगी आप लोगों को। चलो तो 0.0123 से मल्टीप्लाई, नहीं ये नहीं, क्लोजिंग रेट ऑन 1 अप्रैल, हाँ यही तो है 0.0123। तो यहाँ 0.0123, यहाँ भी 0.0123, फिर रिटेन अर्निंग दिया 110, इस पर कौन सा रेट लोगे बोलो? रिटेन अर्निंग 110, नो ऑडियो, किसी को ऑडियो नहीं आ रहा, लैग हो रहा है यार, आज क्या प्रॉब्लम है यार लाइफ में। चलो एक बार मैं वापस एग्जिट करके आ रहा हूँ वापस। वेलकम बैक टू द क्लास, आ रही आवाज़? ऑल ओके, ऑल ओके। तो मैं आप लोगों को पूछ रहा था कि ये जो रिटेन अर्निंग है 110, इसको क्या रेट से कन्वर्ट करोगे बोलो? नहीं, हिस्टोरिकल रेट से नहीं होएगा यार, एवरेज रेट लिखवाया है ना मैंने, रिटेन अर्निंग यानी करंट ईयर का ही प्रॉफिट है सिर्फ। रिटेन अर्निंग मतलब एक ही तो साल हुआ है तो करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ ना, तो एवरेज रेट दिया हुआ है आप लोगों को, बोलो कितना? इतने सारे रेट है आप लोगों की स्क्रीन पे, बोलो कौन सा रेट लोगे? ऊपर लिख के भी दिया उसने, इतनी तो मदद कर रहा है इंस्टीट्यूट, सही बात बोल रहे हैं। 0.0116, 0.0116। फिर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्या रेट से कन्वर्ट करोगे बोलो? बोलो बोलो, 0.0109 सर, 0.0109, 0.0109। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, सेम। इनकम टैक्स पेबल, सेम। इंपोर्ट ड्यूटी, सेम। एम्प्लॉय बेनिफिट, सेम सेम, सब कुछ सेम। ठीक है ना, तो चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं अपन फटाफट, कॉपी में बनाएंगे अच्छे से एकदम फेयर प्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो सर एग्जाम में कैसे बनाने का, ऐसा 3 कॉलम बनाने का मस्त। पहले इस पे लिखना INR, दूसरे पे लिखना कन्वर्जन रेट, तीसरे पे लिखना GBP, और कन्वर्ट करना शुरू कर देने का। वैसे तो उसने आपसे बैलेंस शीट नहीं मांगा, तो पहले लाइबिलिटी लिखोगे बाद में एसेट फर्क नहीं पड़ने वाला, पर फिर भी रिस्क कौन ले, क्या पता वो जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसके पास में उल्टा ही था, उसने अपनी बैंड बजा दी। तो मैं PPE से शुरू करूँगा, यहाँ पे 550, ये मैं आपको सिर्फ डराने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा आपके साथ कोई नहीं करेगा, ठीक है? 550, क्या आप लोग किसी भी चीज़ का टेंशन ले सकते हो, कन्वर्ट कीजिए। क्या सब लोग हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? 5.995, 5.995 बहुत कम नहीं हो गया? अरे 550 को 0.010, सही में इतना कम हो रहा है? क्या यार, मजा नहीं आया यार। 70 डिवाइडेड बाय 0.010, नहीं ये तो डेसिमल्स में चला जाएगा यार। दो सौ की इन्वेंट्री, अरे करो ना कन्वर्ट, कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे? एक कन्वर्ट करने के बाद बैठ गया आराम से, आज इतना आलस किस खुशी में आप लोगों को? फिर से लैग हो रहा है, अभी भी लैग हो रहा है? हाँ लैग हो रहा है,
यार आज बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अरे सो वेलकम बैक। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? तो बड़े बड़े इंटरनेट वालों के यहाँ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, कोई बात नहीं, कन्वर्ट कीजिए। इनटेंजिबल एसेट को कन्वर्ट कर रहे थे, आ जाइए कम बैक। पॉइंट 763 इन्वेंट्री बहुत ही कम हो गया यार, मजा नहीं आ रही। 2.18 कैश एंड कैश। अच्छा एग्जाम में ना ऐसा मत करना प्लीज, लिख के आना पूरा। 0.0545 क्या बेइज्जती है यार। ट्रेड रिसीवेबल्स 0.1853। चलो अब अपन 0.1853 की 1635 दो अलग अलग आ रहे हैं। कुसुमाक्षी जी का भी 0.1635 आया। 17 डिवाइडेड बाय 0.0109, नहीं मल्टीप्लाइड बाय 0.1853 है। 1853 ठीक है। चलो शेयर कैपिटल 500, मैंने दो लाइन छोड़ी है कि हो सकता है बैलेंसिंग फिगर ऊपर आए, जहां पे भी आएगा। शेयर कैपिटल 500, इसका कन्वर्जन रेट डिसाइड हुआ था 0.0123। शेयर प्रीमियम 150, रिटेन्ड अर्निंग 110। मैं एक बार पूरे रेट लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। 0.0116, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 0.15 इन क्वेश्चन। ट्रेड रिसीवेबल्स एक मिनट, ये 17 दिया हुआ ना। अच्छा ये अलाउंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल 2, तो 15 आना चाहिए। अच्छा, सही बोल रहे हैं आप लोग, सही बोल रहे हैं। ये ट्रेड रिसीवेबल 15 है, प्लीज चेंज करें सब लोग। 15 वो 2 उसमें से माइनस होगा, 17 माइनस 2 0.1635। करेक्ट, थैंक यू अरुणा जी और दो जनों ने इसके ऊपर हाईलाइट किया था, कुसुमाक्षी जी। चलो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 30, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 10, इनकम टैक्स पेबल 5, इंपोर्ट ड्यूटी पेबल 7.5, और फाइनली क्या है, सन्ड्री ट्रेड पेबल्स 2.5, यानी ट्रेड पेबल्स 2.5, रेट वही 0.0109। कन्वर्ट कीजिए 6.15 का शेयर कैपिटल।
1.845 है ना, फिर 1.276, 0.327, 0.109, 0.0545, 0.08175, 0.02725। चल तो पहले तो ऊपर का टोटल बताओ कितना हुआ। चार डेसिमल तक रखो, पांचवें डेसिमल तक के नहीं जाएंगे अपन। तो इसको मैं 8 कर रहा हूँ, ऊपर वाला 8, और इसको भी अपन 3 कर देंगे। 9.156 है ऊपर का टोटल, 9.156, और नीचे 10.143। मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व नेगेटिव है, ठीक है, लॉस है, शाबाश। तो यहाँ भी 9.156 ही रखना है, 9.156 माइनस 10.143.987, 0.2725 है इनकम टैक्स पेबल। ये इनकम टैक्स पेबल तो 5 था ना, कहाँ से होएगा 0.2725 फिर अरुणा जी? लिखा तो सही ना मैंने 5? कुछ छूट गया? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 5 है, ऐसा कैसे हो रहा है यार? लॉन्ग टर्म बोरोइंग 30, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 10, इनकम टैक्स पेएबल 25 है। अरे यार एक आइटम छूट गया। अरे ये 5 फिर इंपोर्ट ड्यूटी पेएबल था, ये 7.5 क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो इनकम टैक्स पेएबल छूट गया 25, तो वो आपने बताया 0.27 कितना, 2725, तो टोटल वापस चेंज हो गया होगा। टेन पॉइंट वन फोर थ्री ही है उसके बाद भी, मतलब आप लोग इंस्टीट्यूट का दिया हुआ आंसर कॉपी कर रहे हो नालायकों। चलो ठीक है, तो हो गया अपना पूरा का पूरा कन्वर्ट। इस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट कर देना, अगर बैलेंस शीट मांगा है तो बैलेंस शीट भी कुछ इसी तरीके से थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करके, नॉन करेंट करेंट इक्विटी लाइबिलिटी सब लिख के प्रेजेंट कर देना। ओके, जम जाएगा एग्जाम में, प्रॉब्लम नहीं है। अभी एफ टू एफ सीखना है अपने को, क्वेश्चन कोई है नहीं एफ टू एफ का, तो एफ टू एफ को कैसे सीखें आप बताएं। ये वाले क्वेश्चन को एफ टू एफ करना है आप लोगों को, कि ये वाले क्वेश्चन को एफ टू एफ करना है आपको, कौन सा सीखना चाहोगे बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 को करना चाहेंगे या नहीं इसको, क्योंकि वो तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था। मंचे मेरे को तो किसी में नहीं करना सर, ऑप्शन ही नहीं चाहिए मेरे को आपका। चलो ठीक है, क्योंकि ये वाला करते ना तो बहुत मजा आता आप लोगों को, तो आप लोगों ने बोला है 3, पर मैं कराऊंगा यही, क्योंकि मेरे को आपको इसी के मजे दिलाने हैं, मैं यही कराऊंगा। मैं तो ऐसे ही टाइम पास पूछ रहा था, बोला क्या पता आपकी मेरी चॉइस सेम निकल जाए, तो आप लोगों को भी लगेगा हाँ मैं आपकी सुन रहा हूँ, पर मैं नहीं सुन रहा आपकी। चलो तो सर ये क्वेश्चन क्यों बहुत बड़ा है सर, बहुत टाइम जाता है इसके पीछे,
ये क्वेश्चन से आप मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी सीख जाएंगे, ठीक है। ऋषभ जी को राघव जी की बहुत याद आ रही है, मेरे हिसाब से वो क्लास में है ही नहीं ऋषभ जी, सो डोंट वरी, ठीक है। चलो तो पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है। तो ये तो हिस्टोरिकल रेट रहता है, ये हमने पढ़ा, ये भी हिस्टोरिकल रेट रहता है, ये एवरेज रेट रहता है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको क्या लगता है, मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है? मॉनेटरी है, शाबाश। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपको क्या लगता है, मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है? नॉन मॉनेटरी है, शाबाश। अब ये जो भी आइटम नॉन मॉनेटरी होती है उस पर हिस्टोरिकल रेट रहता है, तो डेफर्ड टैक्स तो जब क्रिएट हुआ होगा तब का हिस्टोरिकल रेट, जब क्रिएट हुआ होगा तब का हिस्टोरिकल रेट, ठीक है। ऋषभ जी बोल रहे हैं मॉनेटरी, अरे ऋषभ जी कैसे होएगा मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी ही रहेगा ना, आप ऊपर ही तो नॉन मॉनेटरी बोले थे, फिर अभी मॉनेटरी, अच्छा टैक्स पेबल के लिए बोल दिया, चलो ठीक है। तो ये तो ईयर एंड पे ही क्रिएट किया ना आपने, डीटीएल कब क्रिएट किया होगा ईयर एंड पे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ईयर एंड रेट ही लगना चाहिए, तो इतना फर्क पड़ा नहीं, इतना फर्क पड़ा नहीं, लगा हम क्लोजिंग रेट ही रहे हैं क्योंकि बना उस दिन है, रीजन वो है कि क्यों क्लोजिंग रेट लगा रहे हैं, ठीक है। इनकम टैक्स पेबल मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी? मॉनिटरी। तो जब तक मॉनिटरी अपने को टेंशन नहीं है, ठीक है। कुसुमाक्षी जी मॉनिटरी पे करना है ना, नोन अमाउंट में पता है कितना पे करना है। इंपोर्ट ड्यूटी पेबल भी सेम कहानी, ठीक है। सर एफ टू एफ कैसे आइडेंटिफाई करें? जय जी वही तो स्टार्टिंग में बताया था, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद बताऊंगा। एम्प्लॉई बेनिफिट पेबल मॉनेटरी, बहुत ऑब्वियस है। सन्ड्री पेबल भी मॉनेटरी है। पीपी पीपी नॉन मॉनेटरी। अब पीपी के लिए जानना है, पीपी को खरीदा कब, तब का हिस्टोरिकल रेट रहेगा, उसने डेट दिया आपको 30 अप्रैल, बोलो क्या रेट लेंगे? वन जीरो वन टू जीरो, तो यहाँ रेट लग जाएगा 0.0120। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी, उसके लिए भी डेट दिया उसने 5 मई को लिया होता, बोलो क्या रेट से कन्वर्ट करें? पॉइंट 0119। चलो इन्वेंट्री परचेज किया 200 का, कब खरीदा? 15 मार्च। नो इंडिकेटर ऑफ इंपेमेंट यानी कॉस्ट ऑफ एनआरवी टेस्ट नहीं करना है, मॉनेटरी की नॉन मॉनेटरी? सभी बोल रहे हैं नॉन मॉनेटरी सर, तो क्या रेट लें, कब का रेट लें, बोलो कौन सा रेट लें? नॉन मॉनेटरी बोल रहे हो तो क्लोजिंग रेट कैसे लेंगे ऋषभ जी? अरे देखो ना आप लोग, नॉन मॉनेटरी है, इन्वेंट्री 15 मार्च को खरीदा वो बोल रहा है 0.0108, ठीक है। कैश मॉनेटरी है, ये भी मॉनेटरी है। अलाउंस फॉर ट्रेड रिसीवेबल का डाउटफुल डेट यानी नेट 15 मॉनेटरी आइटम है, ठीक है, नेट 15 मॉनेटरी आइटम है, तो मॉनेटरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर पीएल में जाएगा, ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क है आप लोगों के लिए, करना जरूर, समझ में आएगा आप लोगों को कि क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। सर इन डिटेल टैक्स नीड टू बी पेड इन फ्यूचर देन कैन बी कंसिडर्ड टू बी मॉनिटरी? हर्षल जी ये जो डिटेल वगैरह होता है ना, ये हो सकता है डीटीएल के अगेन सेट ऑफ हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, तो डिटेल कभी ना कभी इनकम टैक्स पेबल में चला जाएगा, ये बस कैलकुलेशन है, एक नोशनल है वो, एक तरह से नोशनल अकाउंट नहीं है पर वो एक नोशनल फिगर है, तो वो कभी मॉनिटरी हो नहीं सकता, ठीक है। पे करना है इनकम टैक्स पेबल तो आज ही पे करना है, डिफर टैक्स लाइबिलिटी फ्यूचर में पे करना है, कब जब रिवर्स होगी हमको क्या पता कब रिवर्स होगी, तो वो नहीं होता है, वो नहीं आता है उसमें। सर इन्वेंट्री के लिए अपन लिखे थे ना, कंपेयर करेंगे क्लोजिंग रेट से, कब लिखा था, कब लिखा था? फॉरेन ट्रांजैक्शंस में मैंने क्लियरली लिखा कि जो स्टॉक होता है वो नॉन मॉनेटरी आइटम होता है, तो कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर के लिए एनआरवी पे क्लोजिंग रेट लगता है, कॉस्ट तो हिस्टोरिकल रेट पे ही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है नो इम्पेमेंट मतलब एनआरवी है ही नहीं, चलो बढ़िया। जय जी का सवाल है सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो जय जी इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ आप लोगों के लिए, पीक्यूआर होल्डिंग वगैरह सबको दिया हुआ था आप लोगों को, अब उसने आपको बोला कि पीक्यूआर इंडिया के लिए जो फंक्शनल करेंसी है वो जीबीपी है,
जीबीपी, ठीक है, एंड दे वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू देयर फंक्शनल करेंसी, नहीं दे वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू द प्रेजेंटेशन करेंसी INR फॉर इंडियन रिपोर्टिंग पर्पज, फॉर इंडियन रिपोर्टिंग पर्पज दे वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू, नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूँ, खुद तो भी गलत बोल रहा हूँ। उन्होंने आपको INR में पूरी बैलेंस शीट दे दी, उन्होंने बोला हमारी फंक्शनल करेंसी जीबीपी है, हमारी फंक्शनल करेंसी जीबीपी है और बैलेंस शीट INR में दी हुई है, और वो आपको फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करने बोल रहा है, ठीक है। अरे क्या नो क्लियर क्या बोल रहे हो, कंपेयर करेंगे क्लोजिंग रेट से, यस ओके क्लियर सीन स्ट्रक, सब लोग सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सब लोग सुन पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बस एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि देखो उसने आपको बोला है कि भाई हमारी फंक्शनल करेंसी जीबीपी है और उसने INR में बैलेंस शीट दे दी, अब अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कौन सा रूल लगाओगे? जय जी जी जय जी, बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं यार। F2P, अरे काहे का F2P, उसने INR में बैलेंस शीट दे दी आपको और बोलता है हमारी फंक्शनल करेंसी जीबीपी है, तो आपको जीबीपी में कन्वर्ट करना है, आप फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो ना, आप फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो तो F2P कहाँ से हुआ? F2F हुआ, F2F हुआ, समझ में आ रहा है? ऐसे आइडेंटिफाई हो रहा है, अगर आपको बैलेंस शीट कोई और करेंसी में दी है फंक्शनल करेंसी के अलावा, फंक्शनल करेंसी के अलावा कोई और करेंसी में दी हुई है और आप फंक्शनल, तो फिर आप F2F यूज कर रहे हैं। अगर बैलेंस शीट फंक्शनल करेंसी के अलावा कोई और करेंसी में दी हुई है तो आप F2F रूल यूज कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? और अगर आपको बैलेंस शीट फंक्शनल करेंसी में ही दी हुई है तो आप F2P रूल यूज कर रहे हैं, ऐसे आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये आपके ईज के लिए बता रहा हूँ मैं ये तरीका आपको, अदरवाइज लॉजिक लगाना है, ठीक है? जम गया? अब इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या क्या पूछा था देखो, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम, तो बताना है मॉनेटरी क्या होता है नॉन मॉनेटरी क्या होता है, जिनको और समझना है इसका आंसर पढ़ लेना। ट्रांसलेटेड INR टू GBP, बस वही है, दोनों की दोनों चीजें करना था। अब यहाँ पे मैंने ऊपर लिख तो दिया F2P वर्सेज F2F, पर ये एक्चुअली क्वेश्चन F2P वर्सेज F2F का है नहीं, हेडिंग ये सिर्फ F2P होना चाहिए था, हेडिंग मेरी तरफ से गलत है। तो चलो कोई नहीं, क्वेश्चन आप समझ गए, होमवर्क आप लोग कर लेंगे। तो अपन एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हैरत अंगेज कारनामा ICAI की तरफ से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 अलोंग विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, बहुत मजा आएगा सर। डिटेल का एक और बार बता दो, देखो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आज पे नहीं करना है ना, तो वो मॉनिटरी कैसे हुई? पेज नंबर 134 ICAI के हैरत अंगेज कारनामे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 अलोंग विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। ये सवाल MTP अक्टूबर 18 में पूछा गया था, पर आज तक एग्जाम में पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया इंस्टीट्यूट, बोला बच्चे नहीं कर पाएंगे, बच्चे बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप सोचो क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगी इस क्वेश्चन की, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। चलो देखते हैं क्लोजिंग डिटेल। अरुणा जी मेरे को सवाल नहीं समझ में आया, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कभी तो आया है और आने वाला अटेम्प्ट बहुत ही हैरत अंगेज होने भी वाला है आप लोगों का, तो क्या पता आपके ही अटेम्प्ट में पूछ ले, यू नेवर नो। देखो ऋषभ जी ज्ञान जहां से मिल रहा है ज्ञान ले लो, ठीक है। अरुणा जी कोई सवाल नहीं है ना, शुरू करूं ना मैं? टू टेक क्लोजिंग रेट फॉर डिटेल, नहीं डिटेल इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम। हाँ क्लोजिंग रेट इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि डीटीएल बना ही इस साल के एंड पे है ना, तो उसमें हिस्टोरिकल रेट ही है, बट क्योंकि वो ईयर एंड पे ही बना इसीलिए क्लोजिंग रेट लेना पड़ रहा है, ठीक है अरुणा जी डीटीएल पे। ओके, ABC लिमिटेड वर्क्स आउट ट्रांसलेशन गेन लॉस ओवर द ईयर्स ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सब्सिडियरी, तो पहले साल 2 लाख, दूसरे साल 4 लाख, तीसरे साल 3 लाख। द फॉरेन सब्सिडियरी सोल्ड ऑन 30 जून, द ट्रांसलेशन गेन ऑन सेल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट एज ऑन द डेट इज ₹2 लाख, तो उस दिन गेन हो गया 2 लाख रुपए का। अज्यूमिंग दैट डिफर्ड टैक्स अफेक्ट इज 30%, हाउ शुड कंपनी प्रेजेंट द ट्रांसलेशन गेन लॉस डिफर्ड टैक्सेशन एंड रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट इन PL, OCI, इक्विटी लाइबिलिटी, सब कुछ पूछ लिया उसने। तो पहली बात तो उसने बोला कि ट्रांसलेशन गेन निकाला हमने, किसके लिए निकाला? सब्सिडियरी के लिए निकाला, तो हमारी सब्सिडियरी के जब हम हमारे बुक्स में ट्रांसलेशन गेन निकाले होंगे तो मोस्टली वो F2F होंगे कि F2P होंगे, सोचे देखो F2F होगा कि F2P, मोस्टली कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, ऐसी अंदाजा क्या होगा? फॉरेन सब्सिडियरी को
हमने INR में कन्वर्ट किया और हम उसके ऊपर ट्रांसलेशन गेन या ट्रांसलेशन लॉस निकाल रहे हैं, तो मोस्टली क्या हुआ होगा? मोस्टली एफ टू पी हुआ होगा, ठीक है राम जी, मोस्टली एफ टू पी हुआ होगा, मोस्टली एफ टू एफ नहीं होगा। फॉरेन सब्सिडियरी की फंक्शनल करेंसी फॉरेन करेंसी होगी मोस्टली, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला पहले साल हमने गेन निकाला 2 लाख रुपए का, तो आपने गेन निकाला, गेन को आपने कहाँ अकाउंट किया? पीएल के ओसीआई। बोलो बोलो, तो सभी लोग बोल रहे हैं ओसीआई। तो हमारा जो पहला साल है वो साल है 14-15, ऐसा लिख देता हूं मैं, 2014-2015। उस साल हमारा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में पड़े थे गेन, कितना गेन? 2 लाख। आप लोगों ने बताया सर ये ओसीआई में गया, क्या इसके ऊपर, इस गेन के ऊपर हमने डेफर्ट टैक्स बनाना चाहिए? सोचिए देखो, सोचिए देखो, हमारी फॉरेन सब्सिडियरी का फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन है, क्या इसके ऊपर डेफर्ट टैक्स बनना चाहिए? क्या बात कर रहे हो, ये राघव जी के आंसर दिख रहा है मेरे को, क्या मैं अकेला नींद में हूं कि बाकी के लोग भी हैं यहाँ पे? क्या बाकी लोगों को भी आंसर दिख रहे हैं राघव जी के? हाँ दिख रहे हैं, राघव जी वापस आ गए, क्या बात कर रहे हो, क्या हो गया? ऋषभ जी ने पर्सनली मैसेज किया क्या? अरे भाई क्लास में आ, तेरी याद आ रही है, ऐसा हुआ? चलो कोई बात नहीं, हो गया हो गया, बहुत मजे ले लिए, क्लास में पढ़ाई करो। तो 2 लाख रुपए के ऊपर आप लोगों ने मेरे को बोला कि हाँ सर इसके ऊपर डेफर टैक्स बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, डेफर टैक्स एसेट या डेफर टैक्स लाइबिलिटी? डेफर टैक्स एसेट या डेफर टैक्स लाइबिलिटी? वंशिका जी की तरफ से लाइबिलिटी, हर्षल जी की तरफ से लाइबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है लाइबिलिटी, क्यों लाइबिलिटी बनना चाहिए? बहुत सिंपल सी कहानी है भाई, फ्यूचर में टैक्स भरना पड़ेगा, तो फ्यूचर में टैक्स भरना पड़ेगा, तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी आज नहीं, जिस दिन सब्सिडियरी बेच देंगे उस दिन ये टैक्स भरना है। तो डीटीएल, किसी को डाउट है इस पे? किसी को डीटीएल पे डाउट है? बहुत कम लोग आंसर दिए थे। ऋषभ जी डाउट है, फ्यूचर में टैक्स भरना है ना, गेन हुआ आज टैक्स भरोगे क्या? बोलो, गेन हुआ आज टैक्स भरोगे क्या? बोलो बोलो। अरे हाँ, अरे आज गेन हुआ, अपन ने कंसोलिडेट कर दिया, कंसोलिडेशन में गेन दिख रहा है, आज टैक्स भरोगे क्या उस पे? बोलो, वो फॉरेन में है, बात सही है, जो पूछ रहा हूं उसका तो जवाब दो। नहीं भरोगे ना, जिस दिन सब्सिडियरी को बेच दोगे, जिस दिन सब्सिडियरी को बेच दोगे उस दिन का जो क्लोजिंग रेट रहेगा उसके हिसाब से टैक्स लगेगा, तो ये गेन पे फ्यूचर में टैक्स तो लगेगा ना, तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी ना, फ्यूचर में भरोगे टैक्स, ठीक है, बस यही बोल रहा हूं मैं। चलो तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी सर ऐसे नहीं, सर टेबल के फॉर्म में बताओ, टेबल के फॉर्म में चलो टेबल के फॉर्म में बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ओसीआई में आपको गेन हो रहा है, अब ओसीआई पे तो डेफर टैक्सेस नहीं बनते है ना, बराबर है, ओसीआई पे डेफर टैक्स नहीं बनते, पर अगर ओसीआई में गेन हो रहा है तो इसका मतलब उतने के ही एसेट्स भी बड़े होंगे, एसेट्स पे डेफर टैक्स बनते हैं। सो देर आर एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी जो आप दिखा रहे हैं 2 लाख रुपए के, बराबर, आप 2 लाख रुपए के एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी दिखा रहे हैं, जिसका टैक्स बेस कितना होगा? ये कैरिंग अमाउंट हो गया, टैक्स बेस कितना होगा? 0, आज टैक्स नहीं लगेगा, फ्यूचर में टैक्स लगेगा। सो देर इज सम टाइमिंग डिफरेंस ऑफ 2 लाख, टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंस या डिडक्टेबल, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस? टीटीडी, बहुत ऑब्वियस है ना, बस और क्या है, समझ गए? चलो तो ओसीआई के एंगल से देखोगे तो नहीं समझेगा, पर उसका ओवरऑल इंपैक्ट देखोगे तो समझ में आएगा। तो 0.6 डीटीएल ओसीआई से ही क्रिएट होगा। अरे बस हर्षल जी, मैं पूछने ही वाला था, आप जवाब ही दे दिए सर, डीटीएल भी ओसीआई से बनेगा ना? हाँ ओसीआई से बनेगा, शाबाश शाबाश। तो अगला, अगले साल 4 लाख का गेन, अभी जो गेन है ये क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव हमको पता नहीं, उसने बोला गेन लॉस ओवर द ईयर्स इन इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख देन 4 लाख। अब ये दिक्कत है मेरे हिसाब से, 4 लाख अलग से ऐड हो रहा है, मेरे को ऐसा ध्यान में आ रहा है शायद इंस्टीट्यूट ने क्यूमुलेटिव लिया है, इंस्टीट्यूट ने क्यूमुलेटिव लिया है, समझ रहे हो क्या गड़बड़ है? इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये क्यूमुलेटिव है,
ये क्वेश्चन पढ़ के एकदम से नहीं समझ में आ रहा। ये उस वर्ड से है, ओवर द इयर्स, ओवर द इयर्स है, ठीक है, तो क्यूमुलेटिव अफेक्ट है। ऋषभ जी ने पूछा, सर ये टीटीडी एंड डीटीटी नहीं समझता, डीटीए डीटीएल पूरा समझता चलेगा ना एग्जाम में, समझेगा? पर ऋषभ जी निकालना जरूर पड़ेगा। अगर ऐसा टेबल एग्जाम में बनाना है इंडिया 12 का, आपको ये समझ गया कि इसका डीटीएल बनेगा, ये समझ गया ना, तो टीटीडी लिख के आना जरूर, ये तो करना पड़ेगा मेहनत। देखो खाना ऐसे खाओ या पूरा हाथ घुमा के खाओ, खाना पेट में जरूर जाना चाहिए, इतना ध्यान रखना। चलो तो ईयर 15-16 और 2 लाख रुपए का गेन, आपने और 0.6 दिखा दिया, ये भी ओसीआई में चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईयर 3 ये 3 लाख हो गया, मतलब क्या 16-17 क्या समझ में आ रहा है, 3 लाख हो गया गेन बोल रहे हैं राघव जी, क्या है यार राघव जी यार, व्हाट इज दिस यार, 16-17 1 लाख का लॉस, कहाँ दिखाएंगे लॉस, पीएल में, ओसीआई में, ओसीआई में, इस पे डीटी, टैक्स बताओ, टैक्स अफेक्ट, डीटीए एक तरह से ऊपर का डीटीएल रिवर्स, एक तरह से तो ये बोलना चाहिए कि ऊपर का डीटीएल रिवर्स है ना, डीटीए नहीं बोलना चाहिए, रिवर्सल ऑफ डीटीएल बोलना चाहिए, तो ऐसा ही लिखेंगे, बढ़िया। फिर उसके बाद फाइनली वो दिन आया जब आपने सब्सिडियरी को बेच दिया, 30 जून 2017, उसने बोला द ट्रांसलेशन गेन ऑन सच इन्वेस्टमेंट इज फाइनली 2 लाख रुपीज, तो फाइनली जब बेच रहे हैं तो गेन हो रहा है 2 लाख रुपए का। तो पहले तो मेरे को बताओ, तब 30 जून 2017 तक मेरा ये जो गेन दिख रहा था, आप लोग 3 लाख तक तो ला चुके थे, वो 2 लाख हो गया, तो और क्या करें, अब क्या करें, ये समझना जरूरी है आपको, 3 लाख 2 लाख हो गए। फर्दर 1 लाख का लॉस सर, लॉस ओसीआई, ठीक है, 0.3। फाइनली जो फेयर वैल्यू रिजर्व है उसका क्या करेंगे, जिस दिन बेच दिया उस दिन पीएल में डाल दो सर, रिक्लासिफाइबल आइटम है, शाबाश, 2 लाख रुपए, उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स, एक्चुअली डेफर्ड टैक्स आना चाहिए क्या, पुराना डेफर्ड टैक्स रिवर्स होगा, पुराना डेफर्ड टैक्स रिवर्स होगा, कितना रिवर्स होगा बोलो, डीटीएल रिवर्स कितना, 0.6, ये रिवर्स कहां से होगा बोलो, ये रिवर्स कहां से होगा, ओसीआई से कि पीएल से, सब कुछ पीएल से होगा, पीएल से, ओसीआई से नहीं, पीएल से, क्यों, ये 2 लाख पीएल में गया ना, ये 2 लाख पीएल में गया, फेयर वैल्यू रिजर्व से पीएल में गया, तो अब डेफर टैक्स भी पीएल में जाएगा। चलो इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं, ये देखो ये एडजस्टमेंट पूरा का पूरा, रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट क्रेडिटेड टू पीएल, सर आपके आंसर का स्क्रीनशॉट दे दो। अच्छा अभी मेरे को बताओ, अभी मेरे को बताओ, सोच समझ के बताना कि मेरा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में फर्स्ट ईयर में, मैं मेन मुद्दा समझाया ही नहीं आप लोगों को एंड तक, हमने पूरा इंडिया 12 भी खत्म कर दिया, ये मेरी गलती है, तो अभी समझो एफसीटीआर में कितना गया, 2 लाख गया कि 2 लाख माइनस 0.6, 1.4 गया, एफसीटीआर में कितना गया, एफसीटीआर में 1.4 गया, ये सब लोगों को समझना बहुत जरूरी है, तो ये मेरी गलती है, आप समझ लीजिए, मेरे को पहले बताना चाहिए था आप लोगों को कि 0.6 डीटीएल में जा रहा है, टोटल 2 लाख की अकाउंटिंग हो रही है जिसमें से 0.6 डीटीएल में जा रहा है और 1.4 एफसीटीआर में जा रहा है, ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट ने आंसर में अच्छे से बताया है कि देखो भाई 2 था, 0.6 गया ट्रांसलेशन रिजर्व में, 1.4 गया डेफर टैक्स लाइबिलिटी में, 0.6 गया। वैसे ही नेक्स्ट ईयर फाइनली एंड तक के हमारे पास जो बैलेंस बचा था 1.4 ही बचा था, वो रिक्लासीफाई हुआ पीएल में, 0.6 का डेफर टैक्स लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट वो भी पीएल में गया, फाइनली करंट टैक्स हमने 0.6 दिखाया पीएल में, वैसा बता रहा है वो आपको, ठीक है। चलो तो ये हमारे आंसर का स्क्रीनशॉट, तो बढ़िया आंसर था, मजा आया होगा सब लोगों को, ये क्वेश्चन आना चाहिए यार एग्जाम में, बहुत उम्मीद है मुझे। तो 9:01 हो रही है, ब्रेक शुरू करते हैं, 9:06 तक के आप लोगों का ब्रेक है, चल
तो चलिए शुरू करते हैं। 9 बजे पेज नंबर 125 ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रांसलेशन वाले, तो ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन ही, ट्रांजैक्शन वाले। सप्लायर ए लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर बी लिमिटेड। सर इस चैप्टर में अभी कोई भी मार्क नहीं हुआ है ना? अरे ये वाला करना था ना, वो जो अपन F2P का क्वेश्चन कंपाइलर का किए, वो इम्पोर्टेंट है ना? F2P का जो क्वेश्चन कंपाइलर का किया वो इम्पोर्टेंट है। DTA DTL वाला नहीं। रुको मैं बताता हूँ। हाँ पेज नंबर 130 वाला, वो इम्पोर्टेंट है। चलो तो आपने एक ट्रांजैक्शन किया टू डिलीवर गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ $50 मिलियन, टू डिलीवर गुड्स एंड रिसीव अपफ्रंट पेमेंट ऑफ $20 मिलियन। इम्पोर्ट की एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट है? एक्सपोर्ट। द फंक्शनल करेंसी ऑफ द सप्लायर इज INR। द गुड्स आर डिलीवर्ड एंड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ऑन 31 मार्च 2018। $30 मिलियन इज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन स्टेट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर एडवांस कंसिडरेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। तो आपको बोल रहा है कि मेरे को अपफ्रंट 20 मिलियन तो इमीडिएट मिल गए। जिस दिन हम लोगों को अपफ्रंट 20 मिलियन मिले जनवरी में, 1 जनवरी, उस दिन का रेट था 72। अब गुड्स भी हमने 1 जनवरी को डिलीवर किए कि 31 मार्च को किए? गुड्स कब डिलीवर किए? थर्टी फर्स्ट मार्च को किए, 1 जनवरी को नहीं किए। समझ में आ रहा है सबको? तो 1 जनवरी को मेरे को $20 मिलियन मिला, मैंने अकाउंटिंग कितना किया होगा उसका बोलो। अरे निकालो ना सब लोग। $20 मिलियन एडवांस दे दिया उसने 1 जनवरी को आपको ऑर्डर देते समय। ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो 31 मार्च, उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रही है। 1440 एडवांस मिला आपको, तो आपने एंट्री पास की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू। अरे यार ये क्या कर रहा है? कैश डेबिट 1440 टू कस्टमर लायबिलिटी। ये मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है? मॉनेटरी है। पैसा लौटाना है आपको, पैसा लौटाना है। नॉन मॉनेटरी हुआ ना? अरे सोच के देखो। अरे कोई भी चीज़ को पता है वाली बात नहीं होती है। पता क्या होना चाहिए कि कितना पे करना है सामने वाले को, ठीक है? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को हम मॉनिटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने को पे करने का है। ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं, एक प्रकार का डिफर्ड रेवेन्यू है ना, कस्टमर लायबिलिटी। अगर कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई नहीं किया तो लौटाना है, नहीं तो लौटाना नहीं है, पैसा तो नहीं लौटाना है। तो एक तरह से नॉन मॉनिटरी हो गया ना। समझ में आ रहा है? आप सिर्फ ये मत देखो क्या मैं इसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऐसे तो PPE को भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ये देखिए कि क्या मैं किसी चीज़ को ईजिली नॉर्मली नॉन अमाउंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये रेडीली नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, पर हाँ किसी चीज़ के बदले में मेरे को एक रफली नॉन अमाउंट मेरे को पता है कि इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है? राघव जी बोल रहे हैं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है? इंड एस 115 के हिसाब से ये कस्टमर लाइबिलिटी है ना। एडवांस मिला है आपको, एडवांस मिला है आपको जिसके बदले में फ्यूचर में गुड्स देना है आपको। तो एक तरह से अब भी देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी वर्ड गलत हो जाएगा, ठीक है? देखो मॉनेटरी को समझो आप लोग। क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसमें मेरे को पता है मेरे को कितना पैसा मिल जाएगा पहले एसेट साइड पे, तो मैं मॉनेटरी बोलूंगा। पीपी में अगर बेचूंगा तो मेरे को अगर वर्ड नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? तो हम लोग जब फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं ना, वो मॉनेटरी आइटम्स होते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स आर मॉनेटरी आइटम्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आर मॉनेटरी लाइबिलिटीज। अब वहाँ कुछ एक्सेप्शंस थे, तो वो एक्सेप्शंस मॉनेटरी होते हैं, यानी वहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स पेबल इज नॉट गवर्न्ड बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर, पर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स पेबल फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो है, वो गवर्न नहीं करता इंडिया 109, पर वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो है। ये समझ रहे हैं आप लोग?
तो वो भी मॉनेटरी लाइबिलिटी है, ठीक है। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इज समथिंग जो मेरे को पे नहीं करना है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रू हो गया पर ड्यू नहीं है अभी, तो वो एक तरह से ऐसा है कि मैं बस अकाउंटिंग कर रहा हूँ उसकी, पर मेरे को पे नहीं करना है, मेरे को पे कभी तो भी फ्यूचर में करने का है। तो देखा जाए तो एक तरह से वो मॉनिटरी नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो मॉनिटरी नहीं है, बट डिपेंड करता है। जैसे अब मेरे को पता है कि मेरे को कब पे करना है, जैसे 3 साल बाद पे करना है, तो मेरे को मालूम है कि 3 साल बाद पे करना है, ये कहानी अलग हो गई। तो एक्चुअली इंटरेस्ट अक्रूड का एक्सप्लेन एग्जाम्पल देना गलत हो गया, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू गलत एग्जाम्पल हो गया, हटा दो उसको, उस पर दिमाग मत लगाओ। डेफर्ड टैक्स इज समथिंग, ये रिवर्स होगा मेरे को मालूम है पर कब होगा मेरे को नहीं मालूम। डेफर्ड टैक्स इज समथिंग दैट इज, हाँ ये एग्जिस्ट करता है मेरे को पे करना है, पर कब होगा वो दिन नहीं मालूम, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए उसको आप मॉनिटरी नहीं बोल सकते एक तरह से, वो पेबल है पर कब पेबल है, जब रिवर्स होएगा। तो जब रिवर्स होगा तब वो इनकम टैक्स पेबल बन जाएगा, जब नाम बदल जाएगा तब आप उसको मॉनिटरी आइटम बोलो, पर तब तक के मॉनिटरी आइटम नहीं है, ठीक है। राघव जी का कहना है सर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कस्टमर लाइबिलिटी एक बार बता दो। देखो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी वॉज जनरली यूज जब मेरे को डेफर्ड रेवेन्यू दिखाने का है। देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है कि ये कस्टमर लाइबिलिटी या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है। मेरे को गवर्नमेंट, मेरे को कस्टमर से पैसा मिल गया, मैंने उसको बोल दिया कि हाँ मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं तेरे को ओवर द पीरियड को एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो एक तरह से मैं डेफर्ड रेवेन्यू की तरह उसको ट्रीट कर रहा हूँ, क्या मैं डेफर कर रहा हूँ उसको ओवर द पीरियड। देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है, वो एक डेफर्ड रेवेन्यू है, मैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उसको ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, ठीक है। यार यहाँ भी आप कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बोल देंगे तो कुछ गलत नहीं है राघव जी, इस क्वेश्चन में आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी भी बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं है सच वर्ड यूज करना। कस्टमर लाइबिलिटी वॉज लाइक रिबेट्स, रिबेट्स एंड डिस्काउंट्स, जहाँ मेरे को पता है कि हाँ अगर फ्यूचर में कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मेरे को ये पैसा उसको लौटाना है, तो वहाँ कस्टमर लाइबिलिटी वॉज ऑलवेज द राइट वर्ड, ठीक है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी भी वर्ड यूज़ करेंगे तो कुछ गलत नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। मेरा बस ये कहना है आपको एडवांस मिला है, अगर जैसे वहाँ था ना अगर डिस्काउंट कंडीशन सेटिस्फाई किया तो मेरे को पैसा लौटाना है, वैसे यहाँ पे भी है अगर मैं गुड्स नहीं दे पाया तो मेरे को पैसा लौटाना है, तो अगर शब्द के कारण मेरे को यहाँ कस्टमर लाइबिलिटी वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है और कुछ नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी भी लिखेंगे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन 115 का होता है तो हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि 115 का क्वेश्चन है यार कस्टमर लिखूँ या कॉन्ट्रैक्ट लिखूँ, वहाँ भी मार्क्स एज सच कटेंगे नहीं आप अगर वर्ड चेंज करेंगे तो, एज सच मोस्टली कटेंगे नहीं, ठीक है। मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि मार्क्स काटे हैं उसके लिए, कस्टमर की जगह कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया तो मार्क्स कट दिया, ऐसा मैंने नहीं देखा है, ठीक है। यानी वहाँ कभी क्रॉस साइन नहीं देखा मैंने, वहाँ पे क्रॉस साइन नहीं रहती इंस्टीट्यूट की कभी, मार्किंग स्कीम एज सच अपने को नहीं समझ में आती क्योंकि एक दो मार्क तो कम रहते ही हैं किसी भी क्वेश्चन में स्टूडेंट को। चलो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर लाइबिलिटी हमने लिख दिया, हम ये समझ गए कि ये नॉन मॉनेटरी है, यानी ईयर एंड का जो रेट है वो ईयर एंड का रेट इसको नहीं लगेगा, 75 का रेट, 75 का रेट इसको नहीं लगाना है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। 31 मार्च को सेल हुआ, 31 मार्च को गुड डिलीवर हुए, मेरे को सेल का अकाउंटिंग करने का है, तो सेल का अकाउंटिंग मैं क्या रेट से करूंगा, 72 या 75? आप लोगों का आंसर पार्टली करेक्ट है और पार्टली इनकरेक्ट है। वो जो 30 मिलियन है उसके लिए 75 सही रेट है क्योंकि मैं डेटर लिख रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। पर जो 20 मिलियन मैंने ऑलरेडी बुक्स में दिखा दिया उसको अभी रेवेन्यू में 75 पर रिकॉर्ड करूँ, ये तो इलॉजिकल है, मतलब डजेंट मेक सेंस। मेरे को पैसा कितना मिला, 72 के हिसाब से अभी मिल गया, 75 के हिसाब से बाकी का मिलेगा, तो आप बोल रहे हो रेवेन्यू पूरा 75 के हिसाब से दिखाओ, क्यों भाई पूरा 75 के हिसाब से क्यों दिखना चाहिए, क्योंकि कुछ तो नॉन मॉनिटरी था ना इसीलिए। तो अब आपके बुक्स में क्या हो रहा है, ये कस्टमर लाइबिलिटी डेबिट हो रहा है 1440, फिर आप एक डेटर बना रहे हो, डेटर कितने का बना रहे हो, 30 मिलियन का, ये 75 के रेट से बनना चाहिए, ये समझा, 2250। हम बोल रहे हैं इन दोनों का टोटल सेल्स है, अगर आप इसको भी 75 पे कन्वर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लिख दोगे तो एक्चुअल में तो कोई फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं ना। आप बोल रहे हो नहीं 75 के रेट से पूरा रेवेन्यू दिखा दो और बाकी का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस दिखा दो, पर एक्चुअल में तो कोई एफईएफ लॉस हुआ ही नहीं, जस्ट बिकॉज आपने एडवांस पेमेंट ले लिया वो आपका एफईएफ लॉस बन गया, डजंट मेक सेंस, फालतू बात हो गई है। तो ठीक जम रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है, मैं यहाँ पे शायद डेट लिखना भूल गया हूँ, जितना मेरे को याद है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, हमने फॉरेन करेंसी में लोन लिया, पेज नंबर 126, 1 अप्रैल
Makers Limited raised a loan in foreign investors. The investors subscribed for 6 million foreign currency loan notes at par. It incurred a cost of 2 lakh foreign currency FCY. Interest hai 6 lakh, payable on 31st March, starting from 31st March 2002, yani interest on accrual basis hai. The loan is repayable at a premium and effective annual interest rate is 12%. अब आप लोगों के दिमाग में आएगा सर पीवी निकालना है ACM method, पर इस क्वेश्चन में आप पीवी नहीं निकाल सकते. क्यों नहीं निकाल सकते? उसने बोला प्रीमियम पे लोन को रिपे करना है, प्रीमियम पे लोन को रिपे करना है. अरे कितना प्रीमियम पता ही नहीं है. उसने दे दिया इफेक्टिव रेट 12%. आज फेयर वैल्यू कितना होगा इस लोन का? आज इस लोन का फेयर वैल्यू कितना होगा बोलो? आज मेरे बुक्स में ये लोन को मैं कितने पे अकाउंट करूंगा? 5.98 पे और 4 पे. राम जी बस यही गलती एग्जाम में आप करके आने वाले हो, ठीक है? ध्यान रखो यही गलती सब बच्चे एग्जाम में करके आए. ये क्वेश्चन आई थिंक एग्जाम में आया था, नहीं ये नहीं आया था, पर इस क्वेश्चन में ये गलती पॉसिबल है. ऊपर दिया हुआ है जो लोन है ना वो 6 मिलियन का है, 60 लाख, और जो कॉस्ट है वो 2 लाख है, ठीक है? 60 लाख माइनस 2 लाख 58 लाख. तो 5.98 भी गलत हुआ ना. ठीक है, चलो. तो हमारा ओपनिंग है 60 मिलियन माइनस 2, 58 लाख. इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट दिखाना है 12% से. तो बोलो कितना हुआ इफेक्टिव रेट 12% के हिसाब से? 6.96. फिर उसने बोला आप जो पे कर रहे हैं वो आप पे कर रहे हैं 6 लाख, ठीक है? तो फाइनली क्लोजिंग कितना होगा? 58.96. बहुत बढ़िया. अब उसने आपको कुछ रेट दिए, 1 अप्रैल का रेट दिया, 31 मार्च का रेट दिया और एवरेज रेट दिया, ठीक है? मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है? ये जो ओपनिंग है आपने इसको अकाउंट किया होगा ओपनिंग रेट से 2.5, ये मैं आपको नहीं पूछ रहा. इंटरेस्ट को आपने क्या रेट से अकाउंट किया होगा ये पूछ बताओ. इंटरेस्ट को आपने क्या रेट से अकाउंट किया होगा? 2.42, एवरेज रेट 2.42. ये जो पेमेंट मिला दिया आपने इसको क्या रेट से अकाउंट किया होगा? पेमेंट जो दिया आपने क्लोजिंग रेट 2.75. ठीक है, ये भी 2.75 से दिखना चाहिए. चलिए आइए, ओपनिंग का आपने मेरे को बताया था 145 है ना INR में. इंटरेस्ट 16.84, पेमेंट 16.5, ठीक है? यहां तक कितना हो रहा है? ये ऐड हुआ, ये माइनस हुआ, तो यहां तक कितना हुआ? 145.34, और ये कितना होना चाहिए? 162.14, ठीक है? इन दोनों का जो डिफरेंस है 16.8, गेन है कि लॉस है? गेन है कि लॉस है? लॉस है. कहां जाना चाहिए? ओसीआई की पीएल. तो राघव जी ने बोला पीएल, बाकी सब लोगों का भी कहना है शाबाश पीएल. बहुत बढ़िया, एक नंबर. समझ गए आप लोग? क्लियर है सभी को? चलो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था एक ओसीआई वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में, वो एग्जाम में आ भी चुका है. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऐसा मेरे को नहीं लगता. आएगा तो ओसीआई के साथ ही आएगा, क्योंकि दो स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाते हैं, इंडिया 21 और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दो स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाते हैं. तो इसलिए ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. सर जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है. क्या है उसमें? कैश टू लोन 145, इंटरेस्ट टू लोन 16.84, लोन टू कैश, और ये फाइनली फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट टू लोन. टोटल इतने जर्नल एंट्री बने. चलो हो गया.
आगे बढ़ रहे हैं, पेज नंबर 127, हरी लिमिटेड परचेज एंड इक्विपमेंट फॉर 10,000 कैनेडियन डॉलर्स फ्रॉम कैनेडा ऑन क्रेडिट बेसिस, हरीज फंक्शनल करेंसी इन INR, द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इज डिटरमाइंड ऑन 31 मार्च 2020 टू बी 12,100, पेमेंट टू ओवरसीज सप्लायर वॉज डन ऑन 31 मार्च 2021 एंड फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट रिमेन अनचेंज्ड ऑन 31 मार्च 2021, prepare journal entries for the year ending 31st March 2020 and 31st March 2021 as per Ind AS 21 tax credit 25% and follows revaluation model, क्योंकि उसने revaluation model लिखा है ना, इसीलिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने लिखाया नहीं आप लोगों को, पर आप समझ जाएंगे। मेरे बुक्स में मैं पहले दिन इक्विपमेंट कितने पे अकाउंट करूँगा बोलो, पहले दिन मेरे बुक्स में इक्विपमेंट मैं कितने पे अकाउंट करूँगा बोलो बोलो, 57.68 के रेट से 588,336, शाबाश। तो पीपी टू कैश 588,336, तो क्या है, मॉनेटरी आइटम है कि नॉन मॉनेटरी आइटम है? नॉन मॉनेटरी। अब मेरे को लगाने का है रीवैल मॉडल। अच्छा, मैंने पेमेंट नहीं किया ना, क्रेडिट बेसिस है, टू क्रेडिटर्स है यहाँ पे। तो ये क्रेडिटर क्या है, मॉनेटरी कि नॉन मॉनेटरी? ये तो मॉनेटरी है, तो उसको तो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये ट्रांजैक्शन हुआ 31 जनवरी को, फेयर वैल्यू 31 मार्च को 12,100, फेयर वैल्यू पे बाद में बात करेंगे। मेरे को बताओ 31 मार्च को रेट तो चेंज हो गया, तो क्रेडिटर पीपी में तो आपने बोल दिया नॉन मॉनेटरी उतनी करना है, क्रेडिटर का क्या करना है बोलो, क्रेडिटर का क्या करें? सर 45288 ऐड करना पड़ेगा, चलो देखते हैं, FEF टू क्रेडिटर्स 10,200 मल्टीप्लाइड बाय 62.12 माइनस 57.68 45594। अरे अलग अलग क्यों आ रहे हैं, एक 45288 है और एक 45594 है, कौन सा सही है? 45288 सही है। राम जी कैलकुलेशन चेक कीजिए, एग्जाम में आप लोग जो पहला आंसर दे रहे हो याद रखो एग्जाम में वही आंसर दोगे। कुसुमाक्षी जी आपका भी आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा आपको। अब ध्यान रखिए, ये पीएल में गया, ये एसेट में ऐड नहीं हो रहा है, ये एसेट में ऐड नहीं हो रहा है। अब मेरा जो एसेट है उसका उसने फेयर वैल्यू दे दिया, मेरे को लगाना है रीवैल मॉडल, उसने बोल दिया 12,100। अरे 12,100 का फेयर वैल्यू है, तो अभी फेयर वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा INR में। क्या रेट से कन्वर्ट करूं, मेरे सामने दो रेट है। राघव जी बोल रहे क्लोजिंग रेट, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? क्लोजिंग रेट ही लगना चाहिए, ठीक है ना हर्षल जी, क्लोजिंग रेट लगना चाहिए। आपको याद है मैंने आप लोगों को इन्वेंट्री के लिए कंसेप्ट जरूर बताया था कि जब आप NRV निकाल रहे हैं तो आप NRV जिस दिन फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं उस दिन का रेट लेंगे, यानी क्लोजिंग रेट। तो फेयर वैल्यू के लिए भी जिस दिन फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं उस दिन का रेट लेना पड़ेगा, क्लोजिंग रेट। तो 12,100 31 मार्च का रेट है, 31 मार्च का रेट 62.12 है, कन्वर्ट वही रेट से होगा, क्लोजिंग रेट लेना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया, सेम लॉजिक जो इन्वेंट्री में, तो मैंने पढ़ाया नहीं था, लॉजिक सेम रहेगा। सर कंपैरिजन होंगे ना, एक अमाउंट जो रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा और एक अदर जो FEF में जाएगा। वंशिका जी इतना रिक्वायर्ड नहीं है, क्वेश्चन आपको सिर्फ बोल रहा है कि क्या करना है मेरे को बताओ, पास द जर्नल एंट्रीज। तो मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, जर्नल एंट्री में पूरा का पूरा बैलेंस आपका OCI में जाएगा, PL में कुछ नहीं जाएगा, PL में कुछ नहीं जाएगा, ध्यान रखेंगे ठीक है। इंस्टीट्यूट ने एक रिकनसिलिएशन बनाया है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के कारण कितना रीवैल सरप्लस में जा रहा है, आपके कोई काम का नहीं है, किसी के भी दिमाग मत लगाएं इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, जितना मैंने बताया बस उतना लिख दीजिए, एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है। चलो तो पीपी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 12,100 मल्टीप्लाइड बाय 62.12 माइनस ऊपर जो दिया था 588,336 बराबर इतने का गेन 118,028। क्या ये सबको आया? अरे यार ये अलग अलग आंसर आ गए फिर से। क्या हुआ राम जी आज?
फिर वही पूली कहानी आज याद आ रही है। आज वो गाना सुन लिए थे क्या? आज फिर तुम्हारी याद आ रही है, ऐसे तो गाना है ना। अरे बाकी के लोग कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ दो ही लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? सेम है बोले सर, क्या क्या करेंगे सर? आंसर में 57.68 लिया है इंस्टीट्यूट ने। अरे नहीं लिया है इंस्टीट्यूट ने राघव जी, भरोसा रखो मेरे पे। ये देखो उन्होंने दो एंट्रीज की, दो एंट्रीज कंपेयर किए, ये दूसरी बार उन्होंने डिफरेंस को डाल दिया। उन्होंने दो एंट्री में बताया अपन एक एंट्री में कर रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है हर्षल जी, सॉरी राघव जी नहीं, हर्षल जी। ठीक है हर्षल जी, अपन जो कर रहे हैं वो सही है, टेंशन मत लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर आया, अपन ने तब तक के पेमेंट कर दिया था, तो पेमेंट करने की एंट्री करना पड़ेगा। मैं कोई भी एंट्री के सामने डेट्स नहीं लिख रहा हूँ, प्लीज आप लोग डेट्स लिख देना एग्जाम में। क्रेडिटर्स टू कैश कितना पेमेंट किया बोलो? अरे क्या कर रहे हो यार आप लोग, व्हाट इज दिस यार, 7,06,000 रुपये क्यों भरेंगे? अरे राम जी क्रेडिटर में जितना बैलेंस पड़ा उतना पे कर दो ना, खत्म करो ना, हो गया ना। जिस दिन पेमेंट किया 31 मार्च को ही पेमेंट किया, 31 मार्च की अकाउंटिंग कर चुके हो 62.12 के हिसाब से, वही होएगा ना, और क्या होगा। 706 आप लोग फेयर वैल्यू निकाल रहे हो पीपी का। मैं फेयर वैल्यू क्यों पे करूंगा क्रेडिटर को? मैं क्रेडिटर को उतना ही पे करूंगा ना जितना वो 10,200 के हिसाब से बन रहा था। 633624 564 624। अरे क्या है, 564 है कि 624 है? अच्छा ऐसा है क्या? अरे 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 अरे, अरे रुको 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 रुको, पेमेंट तो 31 मार्च 2021 उसके नेक्स्ट ईयर किया है। अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी तो और फ्लक्चुएशन आएगा क्रेडिटर में, इसका मतलब माई मिस्टेक माई मिस्टेक। तो 31 मार्च 2021 को पेमेंट कर रहे हैं, उस दिन का रेट तो फिर चेंज हो गया, तो पहले इसका FEF निकालते हैं, बोलो कितना। चल ये भी हो गया, फाइनली क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, तो यही है 706248। आज राघव जी के सारे आंसर सही आ रहे हैं यार, आज मैं गलत जा रहा हूँ। 706248, चलो बढ़िया, क्लियर यहाँ तक के। अब उसने बोला कि जो पीपी है उसका फेयर वैल्यू अनचेंज है। अनचेंज मतलब क्या? फेयर वैल्यू 12,100 USD है, फेयर वैल्यू अनचेंज का मतलब इंस्टीट्यूट का कहना है कि भाई फेयर वैल्यू 12,100 ही है, मैंने निकाला इस दिन फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू इस दिन 12,100 ही है, उसका बोलने का मतलब ये है। अब उसने लाइफ ऑफ एसेट नहीं दिया तो मैं डेप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इक्विपमेंट वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए था, लैंड वर्ड यूज़ करना चाहिए था, बट ठीक है अब उन्होंने जो दिया सो दिया। फेयर वैल्यू 12,100 है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो फेयर वैल्यू को आप फिर से कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? 62.12 से 69.24 पे कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है आप में से कई लोग बोल रहे हैं नहीं करेंगे क्योंकि फेयर वैल्यू अनचेंज्ड है, फेयर वैल्यू INR में फॉरेन में पड़ा हुआ एसेट है, और आप बोल रहे हो कि एसेट की वैल्यू अभी भी 12,100 है। आप ध्यान रखिए अगर आपने डिप्रिशिएट भी किया होता तो भी वापस से रिवैल्यूएशन में 12,100 पे आपने उसकी फेयर वैल्यू लिख दी होती। सोच के देखो अगर आपने एसेट को डिप्रिशिएट किया होता और आप बोलते फेयर वैल्यू 12,100 है अभी, तो वापस से रिवैल्यू किया होता कि नहीं किया होता? किया होता ना, तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, तो कन्वर्ट करने का रेट है क्लोजिंग रेट 69.24। थोड़ा इलॉजिकल लग रहा होगा पर यही सत्य है, करना ऐसे ही है, ठीक है। 69.24 पे कन्वर्ट कर रहे हैं वापस से पीपी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, 69.24 मल्टीप्लाइड बाय 12,100 माइनस, ऑलरेडी अभी तक की अकाउंटिंग कितनी हो चुकी है? सेवन फाइव वन सिक्स फाइव टू,
तो क्या हर साल चेंज होगा? हाँ अजीम जी, हर साल चेंज होगा, हर साल चेंज होगा। तो 86152 पक्का है, लिख दूं? चलो राम जी, यही आ रहा है ना? चलो बढ़िया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दिसंबर 21 में आया था, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। ये भी हो गया, चाहिए वो ले लो स्क्रीनशॉट। सर आंसर में एक और एंट्री है, देख लेते हैं। ICAI के आंसर में रिवैल्यूएशन, अरे डेफर्ड टैक्सेस के कैलकुलेशन रह गए यार। टैक्स रेट 25%। तो पहली बार जब आपने ये रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया, ये रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया, ये जो आपने FEF निकाला, ये तो इनकम टैक्स में भी ऐसा ही होता है ना? इसके ऊपर तो टैक्स मतलब एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हो ना, ये वाला फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, जहां तक मैं जानता हूँ ये अलाउड है। तो इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही है, ये रिवाल सरप्लस के अंदर में जो अमाउंट आया इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स आएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। आपको रेट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ OCI, और यहाँ पे एक एंट्री आएगी जिसको मैं थोड़ा सा अच्छा एक्सपैंड करके आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, OCI डेबिट 16,33,16 टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो आप लोगों ने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी निकाला 40,829, सबको आ रही है क्या? बाकी का रिवैल सरप्लस में 12,487, ठीक जम जाएगा? ये एंट्री रह गई थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया टैक्स रेट 25% दिया है क्वेश्चन में। एक और ऐसी एंट्री यहां पे भी आएगी, यहां पे भी मैं रब करके इधर OCI लिख रहा हूं, OCI डेबिट 86152 टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 21538 64614। तो इंस्टीट्यूट का देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को रिवैल सरप्लस से एंटर कर दिया, रिवाइल सरप्लस डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, तरीका सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। जम जाएगा एग्जाम में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। फॉरेन करेंसी बैंक बैलेंस, ये लेटेस्टली एग्जाम Jan 21 में पूछा गया था, कैश फ्लो से रिलेटेड है। देख रहे हैं, जेड लिमिटेड हैज एन ओवरसीज ब्रांच इन US, इट हैज़ अ बैंक अकाउंट हैविंग बैलेंस ऑफ $7,000 ऑन 1 अप्रैल 2019, पेज नंबर 129। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 इट अक्वायर्ड अ कंप्यूटर फॉर इट्स US ऑफिस एट $280, विच वॉज पेड ऑन सेम डेट, उसी दिन पे कर दिया। देर इज नो अदर ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड इन इंडिया। एक्सचेंज रेट ओपनिंग 70 है, कंप्यूटर खरीदने का दिन 71 का रेट था, क्लोजिंग रेट 71.5 है और एवरेज रेट 70.5 है। प्लीज प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एज पर द रेलिवेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपके पास फॉरेन में बैलेंस था $7,000, 7,000 में से 280 का तो पेमेंट हो गया। तो बचे हुए की बात करते हैं, पहले कंप्यूटर को छोड़ दो, बचे हुए की बात करते हैं, बचा कितना देखते हैं, क्या याद है कैश फ्लो का? $6,720, ये $6,720 पे आप फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिपोर्ट करोगे, बोलो कितना? नहीं, इसमें सेटल्ड अनसेटल्ड नहीं आया ना राघव जी, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सेटल्ड अनसेटल्ड इज फॉर क्रेडिटर्स डेटर्स, इसको उससे मिक्स मत करो। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कितना आया बोलो? अरे फ्लक्चुएशन बताओ ना सीधा, अभी भी क्या आप लोग फ्लक्चुएशन नहीं बता सकते क्या डायरेक्टली कैलकुलेट करके? सिर्फ ये 6720 पे, सिर्फ 6720 पे।
अरे ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है क्या? राम जी, कुसुमाक्षी जी, मेरे को फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन चाहिए। आप मेरे को फॉरेन करेंसी बता रहे हो कि कितने की INR में कन्वर्ट करके? मेरे को फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन चाहिए। हर्षल जी ने दिया 10,080, राघव जी ने दिया, वेरी गुड। कुसुमाक्षी जी का 10,360 आया, 10,080। 10,080 से मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं तो वही सही होगा। कुसुमाक्षी जी रीचेक कीजिए। तो 10,080, ये 10,080 गेन है या लॉस? गेन है या लॉस? गेन। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेरे को इसका प्राइमरी एडजस्टमेंट बताओ। पहला एडजस्टमेंट इसका कहाँ करोगे? पहला एडजस्टमेंट इसका क्या कहाँ करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिडक्ट करेंगे, राम जी का कहना है, वेरी गुड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिडक्ट करेंगे, वेरी गुड। पहला सेकेंडरी एडजस्टमेंट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड करेंगे। तो पहला वाला आंसर आप लोगों का ये वाला देख लो। ये जो यहाँ पे 360 दिख रहा है, इसमें से हम 10,080 की बात कर रहे हैं, ठीक है? और ये जो यहाँ पे माइनस हुआ, इसमें से हम 10,080 की बात कर रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। हमने पीपीई अक्वायर किया था, तो पीपीई अक्वायर किया था, जिस दिन आपने पीपीई अक्वायर किया था उस दिन का रेट था 71। तो आपने कितने का पीपीई अक्वायर किया था? INR में बताइए। 19,880 कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में माइनस होता हुआ दिखेगा, 19,880। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी किसी को। अब सवाल है कि ये जो 280 USD है, ये मेरे पास पड़े थे 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक। 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक तो मेरे पास कैश एंड कैश इक्वालेंट में ही पड़े थे ये। उस बीच 1 रुपए का फ्लक्चुएशन आ गया, यानी 280 रुपए का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आ गया। समझ गया सब लोग? 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक के मेरे पास ये करेंसी पड़ी थी जिसमें 280 रुपए का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आ गया। आपको क्या लगता है? अभी तो आंसर देख लिया आप लोगों ने, पर लगता क्या है कि ये 280 रुपए भी मेरा वो जो प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट था वैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसका, वो 280 का? क्योंकि सेम ही चीज है ना, मेरे पास ईयर एंड पे वो कैश रही नहीं, पर पूरे साल में एक समय तक तो थी ना वो कैश मेरे पास, तो तब तक का तो फ्लक्चुएशन का उसका प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट होना चाहिए। इनफैक्ट आप देखिए 30 जून की रिपोर्ट और 30 सितंबर की रिपोर्ट में दिखाया भी होगा आपने वो फ्लक्चुएशन ऐसे ही प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट करके। तो वो लॉजिक है इसके पीछे, तो सही बैठा है। हाँ, 280 को भी यहाँ पे ऐड करके दिखा रहे हैं, तो वो यहीं पे ऐड हो गया वो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, वो यहाँ पे ऐड होके दिख रहा है 10,360। ठीक, तो कंचन जी ने कॉपी किया था पिछले बार आंसर जब उन्होंने बोला था 10,360, कंचन जी या कुसुमाक्षी जी, दोनों में से किसी एक ने। चलो, कुसुमाक्षी जी ने किया था, नालायक कुसुमाक्षी जी। क्लियर है सबको ये 280 का ट्रीटमेंट? ये 280 बहुत लोगों को नहीं समझता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये एडजस्टमेंट क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो वी आर मूविंग एट। अब एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बचा है, दो जबरदस्त क्वेश्चन बचे हैं इनफैक्ट। सेल परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन सब्सिडियरी और फॉरेन सब्सिडियरी का गुडविल, हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरे तरीके से खत्म है हमारा। देखिए क्या हो रहा है, नोट्स लिखा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी, सब्सिडियरी बैठी है फॉरेन में। दो पॉसिबिलिटी है, आपने इसको गुड सेल किए तो आपके लिए जो कॉस्ट थी गुड्स की, वो कॉस्ट थी मान लेते हैं 10 लाख रुपए, सेलिंग प्राइस था 50 रुपए का था उस दिन जिस दिन हमने सेलिंग प्राइस किया, और 12 लाख रुपए का सेल चाहिए, तो डॉलर में निकाल लेते हैं, $24,000। ठीक, तो 12 लाख रुपए में सेल किया, आपने प्रॉफिट दिखा दिया 2 लाख रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक ये $24,000 का अभी भी पड़ा है, और इस दिन एक्सचेंज रेट हो गया 51 रुपीज़ का, 51 रुपीज़ का। समझ गए आप लोग क्या हुआ? अब अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है बोलो? नेक्स्ट लेवल सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। 2 लाख रुपए का,
भाई जो इन्वेंट्री मैंने उसको बेची, वो पूरी इन्वेंट्री उसके पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है, तो पूरा का पूरा अनरियलाइज प्रॉफिट 2 लाख रुपए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 2 लाख रुपए। ये जो बंदा है इसकी करंट, इसको आप INR में कन्वर्ट करोगे तो कौन सा रूल लगाओगे? F2P रूल, यानी क्लोजिंग रेट लगाना पड़ेगा। तो अपने पास इसकी बुक्स में स्टॉक आ गया 51 मल्टीप्लाइड बाय 24,000, 12,24,000। ठीक है, तो देखो मेरे बुक्स में दिख रहा है सेल 12 लाख, उसकी बुक्स में दिख रहा है परचेज 12 लाख, एवरेज रेट से कन्वर्ट होके हो गया होगा। तो 12 लाख का सेल उसकी तरफ से, परचेज 12 लाख, फिटस खत्म हो गई कहानी। ठीक है, अब उसकी बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक, जो मेरे हिसाब से जो क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख रुपया होना चाहिए था, उसके हिसाब से वो क्लोजिंग स्टॉक 12,24,000 है। क्यों? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो कहीं ना कहीं FCTR रिजर्व बना होगा 24,000 का, मान रहा हूं मैं कि FCTR रिजर्व बना होगा 24,000 का। ठीक है, आपको क्या लगता है वो भी रिवर्स करें? वो भी रिवर्स करें? तो ध्यान रखेंगे वो जो FCTR रिजर्व है वो नहीं रिवर्स होगा, उसको रिवर्स नहीं करना है। सब लोग समझ रहे हैं? वो FCTR रिजर्व इज नॉट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो रियलाइज्ड है। सब्सिडियरी को अपन लोग जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसके कारण आने वाला रिजर्व है वो, उसको रिवर्स नहीं करेंगे, वो एग्जिस्ट करेगा 24,000। ठीक है, जम रहा है? तो ये हो गया डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। अब अपस्ट्रीम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग प्लीज। होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी, सब्सिडियरी गुड्स बेच रही है, कॉस्ट था $20,000, सेलिंग प्राइस था $24, एक्सचेंज रेट उस दिन था 50 रुपये का। तो मेरे को बताओ उसने प्रॉफिट कितना दिखाया डॉलर में? डॉलर में $4,000 का उसने प्रॉफिट दिखाया होगा। आपकी बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा होगा? बारह लाख मान लेते हैं कि ईयर एंड पे 12 लाख का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। क्लोजिंग एक्सचेंज रेट या एवरेज एक्सचेंज रेट जो भी मैं बोलूं वो 51 है। मान लेते हैं कि एवरेज एक्सचेंज रेट 51 है। ठीक है, तो अब अनरियलाइज प्रॉफिट की बात हो रही है, अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है। कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है? सब लोग डरे हुए, कोई आंसर नहीं दे रहा। बोले 51 से निकालूं कि अनरियलाइज प्रॉफिट अब रुपीज़ में लगेगा ना, अनरियलाइज प्रॉफिट रुपीज़ में लगेगा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट 2 लाख ही है, अनरियलाइज प्रॉफिट 2,04,000 को तो भी निकाला ना ऊपर राघव जी ने, नहीं है 2 लाख रुपये ही रहेगा अनरियलाइज प्रॉफिट। क्यों सर? क्यों भाई? उसने इन्वेंट्री जिस दिन बेचा उस दिन देखो, उस दिन अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था। बाकी जो भी है वो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, बाकी जो भी हुआ वो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को एलिमिनेट नहीं करते, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट होता है। ठीक है, एलिमिनेट अनरियलाइज प्रॉफिट 2 लाख, FCTR 4,000, डोंट एलिमिनेट। ठीक, तो इसके ऊपर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है, चलिए देख रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों साथ में देखते हैं तो भी नहीं जम रहा है, जमेगा ही ना? ऊपर भी मैंने एलिमिनेट 2 लाख ही किया, आप देख लो नीचे भी मैं एलिमिनेट 2 लाख ही कर रहा हूं। मैंने नीचे भी प्रॉफिट उस दिन निकाला जिस दिन सेल हुआ, ऊपर भी मैंने प्रॉफिट उसी दिन निकाला जिस दिन सेल हुआ। अनरियलाइज प्रॉफिट तो उसी दिन निकल रहा है जिस दिन सेल हुआ था, तो उस दिन का कितना प्रॉफिट अनरियलाइज था? कर तो वही रहे हैं। ठीक है, यहां प्रॉफिट किसके बुक से एलिमिनेट होगा? यहां प्रॉफिट किसके बुक से एलिमिनेट होगा?
होल्डिंग की बुक से एलिमिनेट होगा, सब्सिडियरी क्यों बोल रहे हो, कंसो पीएल में से एलिमिनेट होगा, होल्डिंग कंपनी की बुक्स में से एलिमिनेट होगा, और यहां पे प्रॉफिट सब्सिडियरी के से अपोर्शनमेंट में से एलिमिनेट होगा। ठीक है, नो चेंज इन अनरियलाइज प्रॉफिट। हाँ, नो चेंज इन अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट में चेंज नहीं आ सकता। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन देख रहे हैं, ग्लोबल लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी अक्वायर्ड ऑन 30 सितंबर 70% शेयर कैपिटल ऑफ मार्क लिमिटेड एंड एंटिटी रजिस्टर्ड इन जर्मनी। तो उन्होंने आपको कुछ डेटा दिया है, मैं यहां तक का डेटा यूज नहीं कर रहा, मैं सेकंड वाला पॉइंट यूज कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट, पहला वाला पॉइंट गुडविल का है, वो अभी अपन पढ़ने के हैं, सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं। मार्क लिमिटेड सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2.4 मिलियन यूरो टू ग्लोबल लिमिटेड फॉर 4.2 मिलियन यूरो। मार्क लिमिटेड, अब ये मार्क कौन है? मार्क लिमिटेड सब्सिडियरी है और ग्लोबल लिमिटेड होल्डिंग है। तो मार्क लिमिटेड ने ग्लोबल लिमिटेड को गुड्स बेच दिए अपस्ट्रीम 4.2 मिलियन यूरो, 2.4 मिलियन यूरो कॉस्ट 2.4, सेलिंग प्राइस 4.2। तो अनरियलाइज प्रॉफिट 1.8, शाबाश। द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेस वॉज 83, जिस दिन खरीदा उस दिन 83 का रेट था, और ईयर एंड का रेट था 84। द एंटायर गुड्स परचेज आर अनसोल्ड, अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है, बोलो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना INR में? 151.2 नहीं ना, 149.4 ना, अभी यही तो पढ़ा है मैंने, 151.2 क्यों बोल रहे हो? अभी मैंने आप लोगों को और क्या लिखा है यहाँ पे, क्लोजिंग रेट नहीं लेना है, क्लोजिंग रेट 51 था, हमने 51 से नहीं निकाला था, अभी यही तो पढ़े थे राम जी। 151 पॉइंट नहीं, 149 ओपनिंग वाला रेट लेना है, 83। ठीक है, तो 149.4 इज अनरियलाइज प्रॉफिट विच इज टू बी एलिमिनेटेड। जमा सबको, टू एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 22 में पूछा भी गया है, सब लोगों एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो जम जाएगा क्या, बोलो। हर्षल जी ठीक है ना? लास्ट कॉन्सेप्ट गुडविल। जब आप कोई सब्सिडियरी को अक्वायर करते हैं और कंसो में गुडविल दिखाते हैं, गुडविल होता किसका है, होल्डिंग का कि सब्सिडियरी का, किसका गुडविल है वो? तो गुडविल सब्सिडियरी का, ये क्लियर है। गुडविल मॉनेटरी आइटम है या नॉन मॉनेटरी आइटम है? गुडविल नॉन मॉनेटरी आइटम है। तो ये दो चीजें हमको समझ में आ गई। अगर एफ टू पी रूल्स लग रहे हैं, एफ टू पी रूल्स, और सब्सिडियरी को अपन ने अक्वायर किया, तो पीसी प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट्स गुडविल आ गया, कुछ तो गुडविल आ गया। आपने जब पीसी प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट्स किया, तो आपने ये कैलकुलेशन ऐसे में, जिसकी ऐसी सब्सिडियरी जिसकी फंक्शनल करेंसी कुछ और है, फॉरेन करेंसी है, डॉलर रिलेट से इंडिया में बैठे हैं और फंक्शनल करेंसी डॉलर है, तो पीसी प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट्स ये जो आप कर रहे हैं, ये आपने INR में करना चाहिए कि फॉरेन करेंसी में ही करना चाहिए, ये सवाल है, समझ गए? पीसी प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट जो आप कर रहे हैं, वो INR में करना चाहिए कि फॉरेन करेंसी में करना चाहिए? फॉरेन करेंसी में करना चाहिए। तो जो गुडविल आएगा वो फॉरेन करेंसी में आएगा, डॉलर में आएगा। अब सवाल ये रहेगा कि इसको ओरिजिनल रेट पे ही रखना है कि हर बार क्लोजिंग रेट लगाना है? कायदे से आप लोग समझ गए, हर बार क्लोजिंग रेट लगाएंगे, एफ टू पी रूल्स लग रहे हैं, हर बार क्लोजिंग रेट लगाना है कि ओरिजिनल रेट लगाएंगे? कुसुमाक्षी जी बोल रहे हैं ओरिजिनल रेट, राघव जी बोल रहे हैं ओरिजिनल रेट, राम जी बोल रहे हैं ओरिजिनल रेट, कंचन जी बोल रहे हैं ओरिजिनल रेट। अरे एफ टू पी रूल्स लग रहे हैं ना, एफ टू पी रूल्स लग रहे हैं, फंक्शनल करेंसी फॉरेन की है, तो फंक्शनल करेंसी बाहर की है, एफ टू पी रूल्स है, तब तो क्लोजिंग रेट ही लगता है ना हमेशा, यही तो फंडा है, इसीलिए तो इतनी मेहनत किया पूरा पूछने की। अदरवाइज आंसर सिंपल है, मैं पहली बार में एक लाइन बता दूंगा आप लोगों को, गुडविल सब्सिडियरी का हमेशा क्लोजिंग रेट लगाना है, बस इतना ही बोलना था, पर मैं उसका लॉजिक बता रहा था। ठीक है, तो क्लोजिंग रेट लगता है, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन फ्रेम करके रखा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, द फेयर वैल्यू ऑफ नेट, अपन ने एक सब्सिडियरी को अक्वायर किया 70% स्टेक, याद रखेंगे 70%, पूरा नहीं अक्वायर किया, 70% अक्वायर किया है। द फंक्शनल करेंसी इज रुपीज, ग्लोबल लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी। द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ मार्क इज 23 मिलियन यूरो
एंड परचेज कंसिडरेशन पेड है 17.5 मिलियन यूरो। गुडविल निकाल के दो यूरो में, गुडविल निकाल के दो यूरो में। एनसीआई प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। €1.4 का गुडविल आया, 1.4 मिलियन यूरो का गुडविल आया। अब जिस दिन गुडविल आया उस दिन 82 का रेट था, रिपोर्टिंग डेट पे 84 का रेट था। तो रिपोर्टिंग डेट पे मेरे को गुडविल को मेरे बुक्स में INR में लिखना है, तो कितने रेट पे कन्वर्ट करूँ, 82 या 84। 117.6 हमारे पास आंसर आ रहा है, आई थिंक 84 के रेट से ही आया, ये 84 के रेट से। समझ गया सब लोग, ये करके आना है एग्जाम में, ये करके आना है, वही वहाँ पे आंसर में दिया हुआ है आपको। 117.6 के हिसाब से गुडविल रिपोर्ट होगा। शाबाश, बस ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3C हमको करना है, ये गुडविल वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, आई थिंक ये रिपीट हो गया मेरी तरफ से, तो इसको काट दो। FCTR को कंसो में एलिमिनेट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लॉस या गेन हो चुका है, करेक्ट हर्षल जी, इसीलिए। तो चलिए, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं और एक ये वाला क्वेश्चन रह गया है, मैं अभी नहीं करा रहा, मैं आप लोगों को 7 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, जैसे कल मैंने आपको 6 मिनट पहले छोड़ा था, आप भी क्या याद रखेंगे। पिन नंबर 137, ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करना, कल की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है सेम अभी जो हम लोगों ने अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला ना, तो मेरे को लगता है जम जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इसलिए एक बार सेल्फ ट्राई कीजिए। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास को, और कुछ बेसिक क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन रहेगा IND AS 21 के, वो खत्म करेंगे। अगला चैप्टर कौन सा है, 24 है क्या, रिलेटेड पार्टीज 24 है ना, तो कल रिलेटेड पार्टी पढ़ते हैं 24, उसके बाद क्या आएगा 33 आएगा आई थिंक सीधा, बीच में कुछ और छूट रहा है क्या, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 हो गया, 28 हो गया, तो 30, 31, 32, 33 आएगा सीधा, तो 33 कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से कल 33 ही स्टार्ट करते हैं, कल 33 कर लेते हैं, 33 बड़ा स्टैंडर्ड है, बेटर रहेगा, उसके बाद हम 24 और 34 एक साथ कर लेंगे एक दिन, कल 33 स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान रखेंगे कल 33 है, ग्रुप में एक बार बता दीजिएगा, बहुत लोगों को सिर्फ 33 करना था। चलो एंड करूँ क्लास, ओके।